सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि देखो आतुर प्रभु चरित्र सुनि देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिवर लाए रघु मेली मुख माही जल दिलांगी गए चरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चित्तन धरई हनुमत से ये सर्व सुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव किनाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मांडेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसम सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय स्वामी तुलसीदास Thank you.
बाप राम कथा के आठवें दिन राम कथा में उपस्थित पूज्य महाराज श्री तदुपरांत सभी पूज्य संतगण तथा समाज के विविध क्षेत्र के सभी आदरणीय अनुभाव आप सभी और टीवी के माध्यम से अपने घरों में राम कथा सुनने वाले सभी भाई बहनों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस राम जन्म जिस विषय को लेकर चैत्र के इस पवित्र नवरात्र में शक्ति आराधना के दिनों में हम रामचरितमानस की कुछ चर्चा कर रहे हैं। शिव जी ने भवानी को कहा कि देवी राम जन्म के कई हेतु है और सब परम विचित्र है, उसके बारे में कोई इदमित्थ नहीं कह सकता, अपनी अपनी मति के अनुसार सब कहे जा रहे हैं। राम का अवतार इस धरा पर क्यों हुआ, इनके कई कारण है। प्रत्येक कल्प में भिन्न भिन्न कारणवश प्रभु का आगमन हुआ है। इनमें से पांच कारणों की चर्चा रामचरितमानस में गोस्वामी जी देते हैं। दो चार दिन पहले भी मैंने स्पष्टता की थी, शायद दूसरे दिन मुझे स्मरण नहीं, लेकिन दो तीन दिन से एक प्रश्न बार बार मेरे सामने दो तीन श्रोताओं के माध्यम से आ रहा है कि इस कथा को रामायण की कथा क्यों कही जा रही है, है तो ये रामचरितमानस। गोस्वामी जी भी जिसको रामचरितमानस कहते हैं उसको रामायण कथा ऐसा क्यों कहा जा रहा है। हाँ, मैं कबूल करता हूँ कि गोस्वामी जी ने उसका नामकरण रामचरितमानस रखा है, रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। मैं रामचरितमानस को गा रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले भी स्पष्टता की थी कि रामायण शब्द आते ही लोगों की दृष्टि वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण अथवा तो अनगणित राम कथाएं हैं उनके प्रति चली जाती हैं। तो आग्रह ये हैं कुछ रामायण के अभ्यासियों का कि रामचरितमानस की पहचान बिलग होनी चाहिए। स्वागत है आपके इस दृष्टिकोण का, लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि रामचरितमानस में स्वयं गोस्वामी जी रामायण का उल्लेख कई बार कर देते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। रामायण सतकोटि महलिय महेश जिय जानी, वहाँ भी रामायण का स्मरण स्वयं गोस्वामी जी करते हैं। रामायण सतकोटि अपारा, वहाँ भी वो रामायण का स्मरण कर लेते हैं। और बंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयौ सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित, वहाँ भी वो उसका स्मरण कर लेते हैं। तो यत्पूर्वम प्रभुणा कृतम सुकविनाम श्री शंभुनाम दुर्गमम श्रीमद राम चर मानस श्रीमद राम, तो यत्पूर्वम प्रभुणा कृतम सुकविनाम श्री शंभुनाम दुर्गमम श्रीमद। तो गोस्वामी जी कई प्रकार से उसका स्मरण कर लेते हैं।
और मैंने उस दिन कहा था कि आरती श्री रामायण जी की, और कई भाई बहनों का ऐसा मानना है कि ये आरती गोस्वामी जी ने नहीं लिखी है, और कई विद्वानों का ऐसा भी मत है कि हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी की रचना नहीं। ये सब अपने अपने अभिप्राय की बात है, सबका अपना अपना अभिप्राय होता है। मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति ये कहती है कि रामायण का उच्चार, और ये प्रश्न भी मेरे सामने आया कि तुलसी जी ने सब सोपान लिखा है तो हम सुंदरकांड क्यों कहते हैं, सुंदरकांड का पाठ क्यों कहते हैं, हम अयोध्या कांड तक पहुँचे, गोस्वामी जी तो कांड शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मेरी समझ में इसमें इतना बहुत वो करने की ज़रूरत नहीं है। कांड शब्द का लोग दूसरे अर्थ में प्रयोग करते हैं, इसलिए मानस को विलग करना चाहते हैं। आपकी श्रद्धा के लिए धन्यवाद। लेकिन तुलसी जी ने जरूर यही महाप्रबंध, ये जो सप्त सोपान की बात कही है, लेकिन कुछ प्रसिद्ध हृदय स्थित मान्यताएं होती हैं, उस उच्चारण तुलसी जी भी कर लेते हैं, तो मेरी समझ में उस द्वैत में हम न जाए। जरूर रामायण का कथानक भिन्न है, रामचरितमानस की दृष्टि थोड़ी भिन्न है। अब वाल्मीकि रामायण लीजिए, वहाँ अवतार के कारणों की चर्चा ही नहीं करते हैं, सीधा राम जन्म चले आते। इतने जो पांच पांच अवतार के कारणों की चर्चा ही वहाँ स्पष्ट रूपेण कहाँ पाई जाती। तो रामचरितमानस की एक अपनी विशिष्ट पहचान है, और मैंने कई बार कहा है कि रामचरितमानस मेरी निजी मत के अनुसार इस जगत का आखिरी ग्रंथ है, और जगत कभी वांझ नहीं रहा है, कभी और दर्शन की जरूरत होगी दुनिया को तो कोई और नया ग्रंथ आएगा, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि रामचरितमानस ये अंतिम अवतरण है तुलसी के माध्यम से। तो इसके प्रति, इस शब्द के प्रति, इस नाम के प्रति आपकी जो रुचि है, उसी रुचि को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपका ये आग्रह है कि उसको मानस, मैं भी मानस ही कहता हूँ, मेरी उपासना भी मानस की है, इसलिए मेरी हर कथा के प्रसंग को मैं पहले मानस से जोड़ता हूँ। मानस सुरपनखा, मानस कुंभकर्ण, मानस भरत, कोई भी प्रसंग मैं चुनता हूँ उसके आगे सदा सदा मानस की ही प्रधानता रही है, क्योंकि मानस की परिक्रमा मैं कर रहा हूँ, मानस के आधार पर ही मेरा कुछ कहना होता है। धन्यवाद। तो रामायण सतकोटि महलिय महेश जिये जानी, तो ये रामचरितमानस का प्रसंग जिसमें शिव जी ने पांच कारण की चर्चा की है। जय विजय को विप्रों का श्राप और उसके कारण प्रभु को अवतार लेना पड़ा। सती वृंदा ने हरि को श्राप दिया, इसलिए प्रभु को एक कल्प में अवतार लेना पड़ा, राम अवतार। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए एक कल्प में प्रभु को राम अवतार लेना पड़ा। और चौथा कारण हम दो दिन से जिसकी चर्चा कर रहे थे, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी, जिसने कड़ी तपस्या करके प्रभु से मांगा कि अगले जन्म में हमारे घर आपके समान पुत्र की प्राप्ति हो, और उसको पूरा करने के लिए भगवान वचनबद्ध हैं और प्रभु राम रूप में दशरथ कौशल्या के घर प्रकट होते हैं। तो मनु और शत्रुपा की ये बात जो कल कुछ संक्षेप में आपके सामने रखी गई, मनु का प्रसंग मेरी दृष्टि में जो व्यासपीठ ने कल कहा कि ये साधन पंचक है, व्यक्ति को अपने जीवन की अयोध्या में विश्राम अथवा तो परम विश्राम रूपी राम को पाना है तो एक मार्ग ये भी है कि साधन पंचक के द्वारा हम पा सकते हैं, ऐसा लगता है। फिर याद दिलाकर आगे बढ़ूं, निर्दम्भता इस साधन पंचक का श्री गणेश है कि हम जो करें दम्भ से न करें, बस
हमारा ज्ञान, हमारा त्याग, हमारा वैराग्य, हमारा तप, हमारा धर्म, हमारी साधना, जो कुछ हो करीब करीब निर्दंभ हो, दंभ मुक्त हो। फिर साधना के लिए स्थान और सदगुरु का चुनाव, संग का चुनाव, इस साधन पंचक का दूसरा मुकाम पड़ा। उसके बाद कौन मंत्र के द्वारा, किस विचार के द्वारा हम साधना में आगे बढ़े, ये तीसरा मुकाम। चौथा मुकाम साधना के समय आहार कैसा करें, हमारा आहार विहार कैसा हो, ये चौथा मुकाम। और पांचवा, इस सब करके हमारा लक्ष्य क्या है, हम पाना क्या चाहते हैं। जो मनु और शत्रुपा मनु ने चाहा कि राम के दर्शन हो जाए और अगले जन्म में भी राम हमारे घर पुत्र के रूप में आए, वो उनका लक्ष्य था। जो प्रसंग कल संक्षिप्त रूप से सार रूप में आपके सामने रखा, अब एक पात्र मनु शत्रुपा में ऐसा भी है, जो शत्रुपा जी जो पंचक की बात में तो अपने पति से सहगामिनी है ही, क्योंकि राज्य छोड़ा, दोनों ने निर्दम्भता से एक साथ सुख छोड़ा। नैमिषारण्य दोनों जाते हैं तो दोनों संग संग चल रहे हैं, और तुलसी जी वहां कहते हैं ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा, मनु ज्ञान लगते थे और शत्रुपा जी भक्ति रूपा लगती थी, तो उनकी यात्रा भी बिल्कुल संग में है। फिर आई मंत्र की बात, तो द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपही सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरु दंपति, मंत्र भी दोनों एक जप रहे, दोनों का त्याग एक, दोनों की गति एक, दोनों का मंत्र एक, और कर ही आहार साक फल कंदा, दोनों आहार भी एक सरीखा ले रहे, और दोनों भी मान लो मांग भी दोनों की एक है कि प्रभु के दर्शन हो और वो ही दूसरे जन्म में घर पुत्र आए, क्योंकि शत्रुपा जी कह देती है, वहां भी सहमति प्रदान करती है। भारतीय नारी का जो एक विकास, भारतीय नारी का एक गौरव पूर्ण उनकी गति जो गोस्वामी जी ने बताई दिखाई है, उसमें जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, मेरे पति ने जो वरदान मांगा है वो मुझे अत्यंत प्रिय लगा है। इसलिए लक्ष्य भी करीब करीब दोनों का एक है, लेकिन एक बात में मुझे कहने दो कि शत्रुपा जी मनु से आगे निकल गई, और ये पूरे प्रसंग में सार सूत्र है, सार का सार है ये। दशरथ जी ने मांगा, मनु महाराज ने मांगा कि मैं दशरथ हूं और आप हमारे घर पुत्र रूप में आओ, उस समय आपके प्रति मेरा पुत्र विषयी प्रेम हो, भले मुझे कोई मूढ़ कहे, मेरी पुत्रा शक्ति आप में हो, मैं तब तक जीऊं जब तक आपके दर्शन होते रहे, मैं मर जाऊं आपके वियोग, ये उनकी पुत्रा शक्ति है। अब पुत्र किसको प्रिय नहीं, शत्रुपा तो उसको, गोस्वामी जी तो कहते हैं जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, कौशल्या के रूप में शत्रुपा जी आती है तो उनके गर्भ में हरि आते हैं, कौन मां नहीं चाहती कि पुत्र के प्रति इतनी ममता हो। लेकिन शत्रुपा जी एक कदम आगे, वो भगवान से कहते हैं कि मेरे पति ने जो वरदान मांगा, मैं मेरे पति के संग संग चली हूं और मांग तक मैं साथ में हूं, लेकिन अब एक मेरी बात आप मानिए, हमारे साधन पंचक के बाद मुझे छह वस्तु चाहिए, वो आप मुझे विशेष रूप में दीजिए। अब आप सोचिए मेरे भाई बहन,
कि एक बार राम मिल गया फिर और छह चीज मांगने की क्या जरूरत थी। वो मनु और शत्रुपा के घर राम ब्रह्म, जो कल हम गाएंगे कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिबेद कहे ओ मम उर्वासी यह उपहासी सुन धीर मति धीर। और तुलसी जी तो कहते हैं कि राम जब प्रकट हुए तब गोस्वामी जी ने तो एक ही निर्णय दे दिया आरंभ में। कैसा राम प्रकट हुआ? बोले कौशल्या हितकारी, सबको उड़ा दिए यहां। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला केवल कौशल्या हितकारी। तो कौशल्या को राम मिला और केवल कौशल्या हितकारी मिला, उसके आगे भी छह वस्तु मांगने की क्या जरूरत है। पुरुष की बुद्धि कभी कभी जहां रुक जाती है वहां से मेरे देश की ये महानतम महिला शत्रुपा जी उसको आगे पहुंचाती, उसको आगे की ओर ले चलती। अब यहां तर्क ये है मेरे भाई बहन कि राम मिलने के बाद कौन सी चाह शेष है कि शत्रुपा छह वस्तु मांग रही है। अब सब एक साथ साथ हुआ तो पति ने मांगा वो भी मांग लिया, बात खत्म। अब पति से आगे की मांग करने की क्या जरूरत थी। लेकिन बहुत अद्भुत मुझे ये सार सूत्र लगते हैं। शत्रुपा मानती हैं कि ईश्वर के प्राप्ति के बाद कुछ नहीं मांगना चाहिए, कोई चाह शेष होती ही नहीं, रहती ही नहीं। लेकिन ईश्वर किसको प्राप्त नहीं है, ईश्वर किसको मिला हुआ नहीं है। हाँ हम पहचान नहीं पाते, बात और है। सब घट मेरा साइया ईश्वर सर्वभूतानाम, इस वचनों के द्वारा ईश्वर का तो नित्य सबके साथ संगात है। लेकिन ईश्वर के साथ हमारा नित्य मिलन होते हुए ही हम में ये छह वस्तु नहीं है जो शत्रुपा मांगना चाहती, हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है परांबा, ये परम माता, कि भाई ईश्वर तो है सबके हृदय में, किसके पास परमात्मा नहीं है। इसीलिए डूबती नहीं कश्ती भंवर में, क्योंकि ना खुदा का खुदा से रिश्ता होता है। इसीलिए कश्ती डूबती नहीं भंवर में, क्योंकि ना खुदा का खुदा से रिश्ता, नवासा देवबंदी का शहर शेर है। ईश्वर से कौन जुड़ा नहीं है, ईश्वर के बिना किसी की स्वतंत्र हस्ती हो सकती है क्या? असंभव, नितांत असंभव। सीय राम मै सब जग जानी सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो उपनिषदकार की घोषणा हमारे मनीषियों ने की है उसको जुठलाई नहीं जा सकती। तो ईश्वर सबको मिला हुआ है, फिर भी जो मां शत्रुपा छह चीज मांगती हैं वो हमको मिली है। ईश्वर मिले और ये छह न मिले ना, तो ईश्वर का मिलना भी कोई काम नहीं आता, क्योंकि मिला है अस प्रभु हृदय अक्षत
अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। ये प्रभु है अंदर, ऐसा भगवान अंदर है, फिर भी किसी को रोकता नहीं कि तुम पाप मत करो, तुम ही किसी को अटकाता नहीं, भटकाता है। ब्राह्मयन सर्वभूत यंत्रारूढ़ानी माया। तो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक चिंतन के बाद इस विश्व की आदि महिला मां शत्रुपा मांग रही है, ये आदि मांग है मनुष्य जाति की, ये सबसे पहली मांग। ईश्वर तो पहले से है, लेकिन ये चाह शत्रुपा ने हमको दी। शत्रुपा कहती है, प्रभु आप मेरा बेटा बनकर आओ ना, तो भी मैं जानती हूँ कि लाभ मुझे ज़्यादा मिलने वाला है। 9 महीने तो आप गर्भ में रहोगे, फिर कुछ साल तक तो मेरी गोद में रहोगे, फिर कुछ साल तक मेरे आंगन में रहोगे, पलने में रहोगे, फिर मेरी बेड में मेरे साथ रहोगे, फिर मेरे आंगन में रहोगे, ऐसे 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 कितना मेरे पास आप रहोगे। लेकिन प्रभु ये सब होते हुए आप मिल जाएं तो भी मुझे 6 वस्तु दीजिएगा, और ये शाश्वत मांग है जीव की। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर दे। दंड है शत्रु का, दुनिया का आदि पुरुष नहीं मांग सका, ईश्वर को मांगा, अच्छी बात है, और मनु की मांग के कारण हमको राम जन्म और राम मिला। स्वागत है इस विचार को, लेकिन राम के मिलने के बाद भी ये 6 वस्तु कहाँ मिली है? सबके हृदय में राम है, हम क्यों दुखी है? सबके हृदय में राम है, लेकिन कईयों की हम दुर्गति देखते हैं जीवन में, क्यों? सबके हृदय में राम है, लेकिन कई लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, आसक्ति में डूबे हैं, और जो कोई भक्ति करते उसके निंदक है, क्यों? राम सबको मिला हुआ है, फिर भी राम के चरणों में हमारी प्रीत क्यों नहीं? राम सबको प्राप्त है, मिला हुआ है, फिर भी हमारा विवेक बार बार क्यों खो जाता है? हम विवेक भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं? और राम सबको प्राप्य होते हुए ही हमारी रहन सहन ठीक क्यों नहीं है? राम मिले ये 6 न मिले तो राम का मिलना न मिलना मेरी समझ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 6 वस्तु बहुत आवश्यक है। आप आएंगे, आप लीला करेंगे, क्या क्या होगा खबर नहीं, कौशल्या शत्रुपा जी कहती है, लेकिन आपके मिलने बाद मुझे ये 6 वस्तु चाहिए, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी। ये छक्का है, सभी ऋषि मुनियों ने उस समय हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा कि ये 6 मारी है, ये छक्का, और बिल्कुल ऊपर से गेंद गई है ये। इन 6 सूत्रों की मांग को कोई आउट नहीं कर सकता, कोई धिक्कार नहीं कर सकता, कोई नकार नहीं कर सकता उसको। अब उसकी गहराई को सुने। सोई सुख, शत्रुपा जी मांगती है कौशल्या के रूप में हमको वही सुख मिले, वही सुख बड़ी, कौन सा सुख? वो सुख मानी क्या?
हम ठीक से अच्छा भोजन खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छी इज्जत है, परिवार ठीक है, पैसा है, पद है, कई प्रकार के सुखों में हम सब जी रहे हैं, लेकिन यहाँ सोई सुख का मतलब कौन, किस सुख की ओर सुमित्रा की उंगली उठी है? सोई सुख कौन सा वो सुख है मानस में, इसका जवाब। मेरे पास एक प्रश्न ये भी आया कि आपकी दृष्टि में मानस की सबसे हीन चौपाई किस कांड में है? मैं नहीं खोज सकता, क्योंकि मेरी दृष्टि में मानस में कहीं भी कोई हीनता है ही नहीं। ये तो अपराध सिद्ध होगा। मानस की प्रत्येक पंक्ति तो परम मंत्र है। मंत्र गोस्वामी जी कहते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन को अंक भाल के। मानस में यदि किसी ने कुछ डाल भी दिया हो, प्रक्षेप हो, मान लो कि किसी पंक्ति के साथ वाद विवाद हो, किसी को तकलीफ हो किसी पंक्तियों के साथ मानस में, और किसी ने मानो मानस को दूषित करने के लिए डाल दिया, तो गंगा के घसमसात दसमसात पूर्व में यदि कोई थोड़ी गंदगी डाल दे तो वो भी गंगा बन जाती है। इसमें गंगा दूषित नहीं हो सकती, गंदगी पवित्र हो जाती है। मेरी दृष्टि में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन लेकिन कई संशोधकों को, खोजियों को ऐसा लगता है कि, क्योंकि रामचरितमानस का आश्रय दो प्रकार से संसार में हुआ, एक तो केवल बौद्धिक आश्रय है कि उसकी खोज करो तोड़ो, ये फूल की खोज करो कि इसमें ये लाल रंग कहाँ से आया, इसमें कौन सा केमिकल है, इसमें रस तत्व क्या है, वैज्ञानिक दृष्टि से तोड़ो फोड़ो काटो तो कुछ खोज हो सकेगी, लेकिन फूल मर जाएगा। वैसे एक ऐसी बुद्धि से शास्त्रों की खोज होती है कि उसमें तोड़ फोड़ ये क्यों, इसमें से शास्त्र की आत्मा को हम ठेस पहुंचा देते हैं। मेरी दृष्टि से रामचरितमानस इस साधना और उपासना का ग्रंथ है, ये जीवन मंत्र है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन को अंग बार। आनंद की बात है, आज विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा पारायण मानस के होते हैं। हाँ, ज्ञानेश्वरी गीता के भी बहुत पारायण होते हैं, मैं कबूल करूँ। ज्ञानेश्वर ने जो लिखा, गुरु ग्रंथ साहब का जपू जी का पाठ बहुत रूप में, गीता का पारायण भी होता है, हर ग्रंथों का पारायण, लेकिन मानस के पाठ का बाहुल्य है, उसकी व्यास पीठ पर मैं बैठ कर गाता हूँ, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है। और आपको भी कहूँ कि मानस गाओ, मानस पढ़ो, इसकी प्रत्येक पंक्ति महामंत्र है, जो हमारे मेटत कठिन को अंक भाल के, हमारे ललाट के कुअंक को मिटा देते हैं। कोई कहते हैं कि हमने तो बहुत रामायण का पाठ किया, भाल के कुअंक मिटे ही नहीं, थे ही नहीं, मिटे कैसे? होता तो मिट जाता, आई प्रॉमिस, जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं, मेरा दायित्व है। कुअंक होते तो अवश्य मिट जाते साहेब, लेकिन कुअंक है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे भाग में कुअंक होते तो तुम रामायण का पाठ करते ही नहीं। रामायण का पाठ करने की रुचि जगना ही सद्भाग्य की निशानी, वरना ये क्यों सूझता कि हम मानस का पाठ करें, हम मानस की कथा सुने। कुअंक हो तो मिटेगा, अवश्य मिटे, लेकिन है नहीं। आप और हम मान बैठे हैं कि हमारे कुअंक है, रामायण को चोट लगती है कि मैं हूं और तेरे कुअंक न मिटे। अरे मैं आई इसलिए तो आई कि तेरे कुअंक नहीं थे, इसलिए तो आई। शुद्ध जगह पर तो मारू व्यसणु हुए छे, कौन कुअंक है? मानस का जिसने आश्रय किया है। अद्भुत शास्त्र है मेरे भाई, बहुत लोग पारायण करते हैं, उसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है, और कितनी श्रद्धा से लोग पाठ करते हैं। कई लोग तो मुझे कहते हैं, बापू हम नवरात्रि में पाठ करते हैं, लेकिन एक दिन कई कामकाज में
पूरा पाठ न हो तो आप तो करते ही होंगे, आपको याद करके एक दोहा करके छोड़ दे तो हो जाता, हो जाता, क्योंकि मैं करता हूँ, मुझे तो करना है, मैं तो करूँगा ही। इसका मतलब ये नहीं कि आप करना छोड़ दो। आलस का अर्थ क्या है पता है आपको? आलस मानी क्या, प्रमाद मानी क्या? व्यास जी ने प्रमाद को मृत्यु कहा कि प्रमाद मृत्यु। आलस क्या? श्रम किए बिना किया हुआ आराम, उसको आलस कहते हैं। आलस की और कोई व्याख्या नहीं। श्रम किया नहीं और विश्राम करते रहते हैं, उसी को ही आलस्य कहते हैं। आप भी पारायण करो, लेकिन कभी पूरा न हो तो चिंता भी मत करो। हनुमान जी को याद कर लो, तुलसी जी को याद कर लो, बात पूरी हो जाए। लेकिन मानस मानस है, और मुझे बहुत खुशी है कि देश विदेश में लोग बहुत उसका पारायण करते हैं, स्मरण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो कुहंक होते तो मिट ही जाते हैं, है ही नहीं, इसीलिए तो मानस पकड़ा है लोगों ने, वरना कैसे पकड़ सकते हैं? गंदे हाथों से हम शुद्ध वस्तु पकड़ ही नहीं सकते। अरे मूठ का मूड आदमी भी, उसको कश्मीरी गालीचा 1,00,000 रुपये का बिछा दो और किसी आदमी के पैर को इतने तक कीचड़ में सन दो और फिर कहो कोई चिंता नहीं, आप कीचड़ वाले पैर से आ जाओ, आक्रमक का आक्रमक से आक्रमक आदमी होगा ना तो भी विशुद्ध गालीचा है उस पर अपने कीचड़ वाले पैर रखने में उसको संकोच होगा ही, क्योंकि वस्तु इतनी शुद्ध है कि हमारी मलिनता वहां प्रवेश नहीं कर पाती। रामचरित मानस इतना शुद्ध, मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, ये ऐसी कथा है। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, ऐसा सोचते हैं लोग। कोई कोई मुझे कहते हैं कि बापू रामायण घर में रखनी चाहिए। मैंने कहा रखो, अच्छी बात है, घर में नहीं घट में रखनी चाहिए। युवान भाई बहनों को तो मैं कहूं छोटा सा रामचरितमानस का गुटका और गीता का छोटा सा, यानी जो छोटी साइज में, उसको पढ़ो तो प्रणाम आपको, न पढ़ो तो कम से कम कहीं भी जाओ अपनी झोली में रखो, यही तुम्हारा परिचय है। कहीं भी जाओ उसको अपनी झोली में, गीता और रामायण ये तो हमारी आंखें हैं, इससे हम दुनिया को देखते हैं। तो मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, तो उसको उसकी बड़ी महिमा, अद्भुत महिमा है उसकी। गाओ तो भी, सुनो तो भी, सोचो तो भी, गुनगुनाओ तो भी, श्रवण करो तो भी, समझो तो भी, मंगल ही मंगल। बाकी तो दुनिया में सब चलता रहता है उसमें, लेकिन और मुझे फिर मैं मेरी खुशी व्यक्त कर रहा हूँ। मंगल करनी करनी मन तुलसी कथा रघुनाथ की, गति की पूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। मंगल
कल किसी एक श्रोता ने पूछा था कि रामायण घर में रखनी चाहिए, ऐसी मान्यता है कि घर में रामायण रख के तो भूत प्रेत न आए। किसने कहा? मैं तो ये कहूंगा, डरना मत, रामायण घर में रखोगे तो भूत प्रेत आएगा, लेकिन ये शकुन है कि भूत आया तो कभी भूतनाथ भी आएगा। मार्ग होगा, एक प्रवेश होगा, क्योंकि तो भूत आएगा तो तनुछीन कौ अति पीन पावन कौ अपावन गति धरे। भूतेश्वर जो है, भूतनाथ है, उसको मार्ग तो करने के लिए उनके स्वयं सेवक आएंगे ना। आने दो भूत प्रेत को, जहां तक उनको आने की मर्यादा होगी वहां तक आएगा, बाकी बिल्कुल आपको निकट नहीं आएगा, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट, बिल्कुल निकट नहीं आएगा, क्योंकि तुमको छुएगा नहीं, उसको पता है कि तुम मेरे से भी ज्यादा। भूत छुए कोई उसके लिए भी लायकात चाहिए ना, कि भूत छू जाए, भूत छू जाए, ये कोई आसान खेल है? मानस की महिमा अतुलनीय है, मैं कहूं इसीलिए नहीं, अस मानस मानस चक चाहिए, भाई कवि बुद्धि विमल अवगाह। तो सोई सुख, वो कौन सा सुख? सोई गति, वो कौन सी गति प्रगति? सोई भक्ति, वो किस प्रकार की भक्ति की मांग शत्रुपाजी कर रही है? सोई निज चरण सने, वो ही आपके चरणारविंद का सने। सोई विवेक, वो कौन सा विवेक? वेदांत विवेक, दृग विवेक, विचार विवेक, वैराग विवेक, विवेक के कितने क्षेत्र हैं, इनमें से कौन से विवेक की ओर ये जगत की आदि माता कह रही हैं कि मुझे वो विवेक चाहिए और सोई रहनी? किस प्रकार के चरित्र की ये मांग कर रही हैं, किस तरह के आचरण की ये मांग कर रही हैं, किस तरह जीवन में रहने की वो मांग कर रही हैं, वो छह कौन है? राम मिलने के बाद भी ये छह वस्तु की मांग है, सोई सुख है। सोई सुख लगी पुरारी, असीव बेश कृत शिव सुखद। वहां तुलसीदास जी सोई सुख की कल्पना करते हैं, जिस सुख के लिए भगवान शंकर निरंतर सुख की खान है, सुख देने वाले हैं, लेकिन अशिव वेश बना करके घूमते रहते हैं, वो सुख। शिव को भी जिस सुख की मांग है, वही सुख है हरि हमको देना। हमें जीव के सुखों की मान्यता नहीं, जीव के सुख को तो मैं भोग कर आई हूं, दंपति धरण आचरण नीका अजहि गाव, मुझे शिव सुख चाहिए। जीव सुख तो सबके पास है, दो कौड़ी के हैं, चाहिए शिव सुख, जिस सुख के लिए अशिव वेश में ये सुखद शंकर घुमा करते हैं, डूबे रहते हैं, कभी अयोध्या, कभी कहीं, कभी काकभुसुंडी जी के नीलगिरी पर्वत पर चले जाते एक सुख के लिए, जो सुख धाम शिव है, वो सुख के, जिस सुख के लिए वो ललायित रहते हैं, हे प्रभु हमें वो सुख मिले है। छोटे बड़े सुख की बात नहीं, परम सुख, आखिरी सुख, जिसके प्रतिपक्ष में दुख न हो, वो सुख। बाकी दुनिया के समस्त सुख के सामने दुख सापेक्ष खड़ा है, रात दिन की नाई है ये सुख और दुख, रात और दिन के क्रम में अनिवार्य रूपे घूमते रहते। मुझे वो सुख चाहिए जिस सुख के अंत में दुख न हो, जिस सुख भूत की आकांक्षा में छिपा, भविष्य की आकांक्षा में छिपा हो, वो सुख मुझे मंजूर नहीं। जिस सुख के लिए दूसरों का सपोर्ट चाहिए, मुझे वो स्वतंत्र सुख चाहिए। मेरे घर बेटा हो तो सुख, ये बेटा मरेगा तब दुख होगा, अथवा तो बेटा नहीं होगा तो दुख होगा। मेरे घर में पैसा तो सुख,
जिसके सपोर्ट से मेरा सुख माना जाए, वो दूसरों के टेके पर खड़ा सुख मुझे नहीं चाहिए। जिस सुख के अंत में फिर दुख आ जाए, हर सुख के पीछे निराशा है। अब सोचिए, गुजराती माँ कहवत छे, हिंदी माँ भी होगी, दूर थी डूंगरा रड़ियामणा लागे, पर्वत दूर से भले चंगे लगते हैं निकट। हर सुख की कामना बड़ी प्यारी लगती है। हम सब इनसे गुजरे हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, आपके साथ मैं वार्तालाप कर रहा हूं। जिस सुख की कामना करते हैं वो सुख निकट आ जाता है और आदमी उसको पा लेता है, उसके बाद वही सुख में निरसता पैदा होने लगती है। बहुत भूख लगी, अच्छा भोजन मिला, खा लिया, कहते अब थाली ले जाओ, ले जाओ, अरे बचा है पिज्जा, नहीं नहीं अब दूसरों को दे दो, अब दे दो। हर सुख निराशा की ओर धकेलता है। हमारी माँ शत्रुपा कहती, मुझे वो सुख नहीं चाहिए, मुझे वो सुख चाहिए जो प्रतिक्षण वर्धमान हो, जिसको किसी के आधार पर न प्राप्त किया गया हो, अंत में जिसमें निराशा न हो, प्रतिरोध में दुख खड़ा न हो। ऐसा सुख जो शिव को मिला है, सोई सुख। अब मांग करनी है तो छोटी छोटी मांग क्यों करते, आखिर ही मांग कर, मांगने की आदत ही पड़ गई तो फिर वो ही मांगो ना। एक बहुत अच्छा वीणा वादक था, एक दरबार में गया सम्राट के, इतनी सुंदर वीणा बजाई, राजा खुश हो गया। तो उसने कहा कि क्या लोगे, क्या दूं? तो कहे कि 1 किलो खजूर दे दो। अरे तूने इतना ही बड़ी वीणा बजाई, तू चाहता तो राजा 2-5 गांव दे देता है, लेकिन कहा 1 किलो खजूर दे दो। आदमी की मांग बहुत शुद्ध है। सुख मिले तो वो मिले जो शिव को प्राप्त था। जीव वाला सुख नहीं, शिव वाला सुख। सोई गति, संक्षेप कर दूं, ये तो पूरा एक कथा का विषय है। अद्भुत दार्शनिक मत इसमें से निर्माण होते हैं, कितने वाद इनके पीछे लगे हुए हैं, अद्भुत। एक ही दोहा अद्भुत, सोई सुख सोई गति। माँ कौशल्या जी कहती है, हमें वो गति मिले। कौन सी गति? क्या क्या शत्रुपा जी कहती हैं अपने उसमें कि कौशल्या के समय मुझे वो गति मिले, तो क्या शत्रुपा जी अभी दुर्गति में है? कौन सी गति चाहिए उसको? लेकिन लक्ष्य रहा होगा गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीन जो जाचत जोगी। मुझे वो गति चाहिए जो गीध राज जटायु को मिली। पूछा तुलसी ने शत्रुपा जी को कि गीध वाली गति क्यों, इसमें क्या विशेषता है? बोले इसी में विशेषता है। बोले आपकी कोई दुर्गति होगी कौशल्या के रूप में? नहीं, दुर्गति तो नहीं होगी, लेकिन वो गति तो नहीं होगी, वो गति अद्भुत है। कैसे? कि कौशल्या के रूप में राम मेरी गोद में रहे, लेकिन गीधराज जटायु के समय तो राम की गोद में जटायु रहे। मेरी भी इच्छा है कि कभी मैं भी राम के गोद में रहूं, राम मेरी गोद में रहे, ये तो मेरी गति है ही। लेकिन सोई गति कहीं दूर संकेत है। जो मांस भक्षी था गीध, अधम पक्षी, मांस खाता है, उड़ान ऊपर लेता है, दृष्टि नीचे रखता, फिर भी उसको ऐसी गति दी कि गीधराज को प्रभु ने गोद में लिया, पिता तुल्य सम्मान दी उसको। जो बड़े बड़े योगी अरण्यकांड के जो गति मांगते थे, जो योगी को दुर्लभ जो गति थी, वो जटायु को प्राप्त हुई है। माँ कहती है सोई गति, हमें वो गति मिले। अथवा तो कौशल्या को, शत्रुपा को याद आया होगा
ताहि देई गति राम उदार सबरी के आश्रम फगुधार। बधि कबंध सबरी ही गति दी नहीं, कबंध की गति याद आई, उसको जो गति मिली और शबरी को जो गति मिली सोए गति, अहल्या को जो गति मिली, अहल्या को जो मिले वो कौसल्या को मिले, अहल्या का जो गति गई पतिलोक आनंद भरी सोई गति, जो देवताओं को और योगियों को दुर्लभ और मानस के ऐसे जो छोटे पात्र माने गए उनको जो गति महादान के रूप में प्राप्त हुई है, हे हरि आप मेरा बेटा बनो ने तो भी मैं मांगती हूँ मुझे वो गति देना। क्योंकि कौशल्या को पता है कि मेरे हाथ की रसोई राम ने खाई है, ससुराल में सुनैना जी ने परोसी वो खाई है कभी कभी ये, लेकिन शबरी की जो बोरा खाए उसकी स्वादुता कभी उसने भूली नहीं, मुझे वो गति चाहिए। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, कौन सी भक्ति? नवधा भक्ति, निर्भर भक्ति, अनपायनी भक्ति, अविरल भक्ति, मानस में जो जो भक्तियों का विश्लेषण किया गया इनमें से ये शत्रुपा जी कौशल्या के रूप में जब प्रकट हो गई तब कौन सी भक्ति चाह रही है? वो भक्ति जो शिखर की भक्ति है, जो पार्वती ने घोषित की मानस के उत्तरकांड में, नर सहस्र मह सुनहु पुरारि, नर सहस्र सुनहु पुरारि, को एक हो धर्म व्रत धारी, धर्म सीने को धर्म सीने को हो विषय विमु राग रत होई, आगे कितने का दोहा कितना है बेटा? ले दोहा कितना है? 55 के बाद, 55 के बाद उत्तरकांड, उसको ले लो उत्तरकांड का दोहा। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहरी, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहरी, सम्यक ज्ञान सकृत बोलहरी, सम्यक ज्ञान सकृत बोलहरी, ज्ञानवंत कोटिक माह को, ज्ञानवंत कोटिक माह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो, जीवन मुक्त सकृत जग सो, तिन्ह सहस्र महु सब सुख खानी, तिन्ह सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञान, दुर्लभ
दुर्लभ ब्रह्म दीन धर्मशील विरक्त ज्ञानी धर्मशील विरक्त ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी सब ते सो दुर्लभ सुराया सब से सो दुर्लभ सुराया राम भक्ति रत गत मधुमाया राम भक्ति रत गत सो हरि भगति काल की मिपाई विश्वनाथ मोहि कह बुझाई विश्वनाथ मोहि कह बुझाई सो भक्ति जो निचोड़ निकाला है नर सहस्त्र मह सुनो पुरार पार्वती शंकर जी को कहती हैं 1000 व्यक्ति में कोई एक हो ही धर्म व्रतधारी कोई एक धर्म व्रत का धारक होता है ऐसे कोटि धर्मशीलों में कोई एक सम्यक ज्ञानी होता है ऐसे ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है ऐसे कोटि कोटि जीवन मुक्तों में कोई ब्रह्मलीन विज्ञानी कोई होता है और इनमें भी रामचरण की भक्ति वाले मद और माया से मुक्त ऐसे रामचरण की भक्ति वाले तो सबसे दुर्लभ हैं 100 भक्ति एक कौवे को कैसे मिली हे मेरे विश्वनाथ वो मुझे खोल कर बता दो जिस भक्ति की बात भवानी ने उत्तरकांड में उठाई है मुझे लगता है शत्रुपा जी कहती है सोई भक्ति मुझे वो भक्ति चाहिए जो धर्म ज्ञान सम्यक ज्ञान जीवन मुक्त दशा ब्रह्मलीन पना इन सबसे भी जो दुर्लभ है इन सब का भी सार है और उसका कोई सार नहीं पार का पार है और सार का सार है मजबूर साहब कहते हैं पार का पार आप कहो कि ये वस्तु पार है तो उसका भी कोई पार हो सकता है पार का पार है सार का सार है लेकिन प्यार का पार नहीं और प्यार का कोई सार नहीं प्यार प्यार है भक्ति वो है उसके बाद जिसका कोई सार पार कुछ नहीं इन गिनतियों से जिसको निचोड़ कर निकाला गया वो भक्ति जो सबसे दुर्लभ है ब्रह्मज्ञानी पना जीवन मुक्त दशा बड़ी सब अच्छी अवस्थाएं हैं करोड़ों करोड़ों में कोई पा सकते हैं पार्वती ने कहा लेकिन सबसे दुर्लभ तो हे प्रभु वो है कि भगवान के चरणों की भक्ति जो काकभुसुंडी जी कहता है काकभुसुंडी जी को प्राप्त हुई आज मुझे लगता है शत्रुपा ने वही भक्ति कौशल्या के रूप में प्राप्त हो ऐसी अपेक्षा सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह मुझे वो आपके चरण का स्नेह ही चाहिए वहां भी बहुत से दृष्टांत आप मानस से दे सकते हैं लेकिन वहां भी मेरी दृष्टि जाती है काकभुसुंडी जी की ओर काकभुसुंडी जी ने और कुछ मांगा ही नहीं और परम भक्त जब परमेश्वर से मांगता है ना तो कुछ मांग केवल चरण स्नेह ही मांगता है और कुछ नहीं मांगता जन्म जन्म रति राम पद
भगवान के चरणों में स्नेह हो। काकभूषुंडी जी को पूछा गया कि आप इतने बहुकालीन व्यक्ति है, आपकी मृत्यु इच्छा पर निर्भीत है, आप चाहो तो मरे, आपको काल मार नहीं सकता, तो आप अपने जीवन की धन्यता कब मानोगे? तो कहते राम का चेहरा तो मैंने बहुत देखा, हाथ पांव सब देखे, सब देखे लीलाएं, लेकिन अब तो मेरी धन्यता उसी में है कि राम चरण बारिज जब देखा, केवल उनके चरण कमल मुझे प्राप्त हो जाए तब निज जन्म सफल करी लेखो। राम के चरण में सने वो सने मुझे प्राप्त हो, सोई विवेक मुझे वो मातु विवेक अलौकिक दूर है। लौकिक विवेक तो हम सब में होता है कि भाई कैसे बैठे, कैसे बोले, वडिलों के साथ कैसे बर्ताव करे, कोई दुखी सुख दुखी से मिले तब कैसे मिले सुखी, ये सब विवेक तो हमारे में होता है। सत्संग करते करते दोनों प्रकार का विवेक, बिनु सत्संग विवेकन होई, दोनों प्रकार का विवेक हम प्राप्त कर ले। लेकिन सोई विवेक तयोर विवेक कथम एतद उच्चताम, विवेक चूड़ामणि में लिखा है तयोर विवेक, वो विवेक जो जगतगुरु आचार्य चरण शंकराचार्य कहते हैं वो विवेक शायद यही अपेक्षित है। को नाम बंध, विवेक चूड़ामणि प्रश्न उठाते को नाम बंध कथम एशमागत, बंधन कौन है, बंधन किसको कहते, बंधन आता कहाँ है, कथम प्रतिष्ठास्य कहाँ वो बंधन जमता है, प्रतिष्ठित कहाँ होता है, कथम विमोक्ष उसका मोक्ष कहता, उसके बंधन से मुक्ति कैसे हुआ करती, अनात्म क्या है, परम आत्म क्या है, तयोर विवेक, ये छह प्रकार का ये सातवां प्रश्न, उसका जो विवेक है उच्चता, शिष्य गुरु को प्रश्न पूछते विवेक चुनामणि में कि हमें ये सात प्रश्नों का उत्तर दो, को नाम बंध, बंधन क्या है, इस जगत में बंधन क्या है, बड़ा मुश्किल है जवाब देना। तुलसी जी तो कहते हैं जदपि मृषा, ये जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिनी, एक गलत बंधन है, और अभ्यास हो जाता है ना तो गलत वस्तु भी बंधन लगती है, गलत है। वो नहीं कहते कि एक वो ऊंट वाला था, उसके पास 10-15 ऊंट थे, तो वो कोई उसका मालधारी ले जाता था, तो एक नदी के तट पर ऊंट को बांधने के लिए, ऊंट थे 15, खीले थे 14, तो 14 खीले पर 14 ऊंट तो बांध दिए, 15 वहाँ कहाँ बांधे, तो मुश्किल में पड़ गया। तो एक महात्मा निकले, पूछा कि बाबा समस्या है, 14 खीले पर 14 ऊंट को बांध दिया, एक 15वां खीला नहीं है, क्या करे? तो महात्मा ने कान में कुछ बता दिया कि ऐसा कर, तो जैसा महात्मा ने कहा वैसा उसने किया कि ऊंट के पास जाकर ऐसे ही काल्पनिक रस्सी ऐसी खींची और काल्पनिक खीला ऐसे उसको बताया और रस्सी ऐसे 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 बांध दी, ऊंट वहीं का वहीं खड़ा रहा। सुबह में 14 ऊंट के बंधन खोले गए, वो यात्रा पर आगे बढ़े, लेकिन वो अभी का अभी वहीं खड़ा, कितना मारे कि हट चलो संगी साथी जा रहे, हिले ही ना। उसने कहा ये महाराज तो कोई मैली विद्या कर गया, क्या कर गया, बंधा तो सही लेकिन अब चलता नहीं, मामला क्या है? तो फिर वो दौड़ा महाराज के पास, बगल वाले गांव में ठहरे थे, गा रे बाबा, तो बोले जिस तरह जूठा बांधा था वैसे जूठा खोल दे, फिर ऐसा कर डोरी ऊपर डाल, चल ऐसा जूठा किया और ऊंट चल। हमारा बंधन ही कुछ ऐसा ही तो है, किसी ने ऐसे बांध दिया है, और फिर समय कहाँ मिलता है, इतने बंधन है, परिवार का काम है, दफ्तर का काम है, फला का, ये सब बंधन खबर नहीं माया ने कैसे जुटला कर बांध। इसलिए तुलसी बहुत सुंदर शब्द कहते हैं, जदपि मृषा, अब खीला जड़
बंधने वाला चेतन, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। यद्यपि मृषा लेकिन छूटत कठिनाई, बहुत मुश्किल से छुटकारा मिलता। को नाम बंधह, बंधन क्या है, वो बंधन आता कहां से, विवेक चुडामणि में प्रश्न उठाया, कहां वो प्रतिष्ठित होता है, कहां पक्का हो जाता है, जमता है, इससे मुक्ति कब मिलती है, अनात्म क्या है, आत्म तत्व क्या है, तयोर विवेक। जगत गुरु कहते हैं उस विवेक को, हे गुरु आप मुझे समझाइए। अब फिर तो ये संसार बंधन की बात जगत गुरु कह देते हैं, ये पूरी बड़ा बड़ा अद्भुत वो प्रकरण है। मेरी व्यासपीठ को कोई पूछे कि को बंधा, तो मैं कहूं प्रेम बंधा। सबसे बड़ा और प्यारा, जिसके सामने मुक्ति भी तुच्छ है, ऐसा कोई बंधन है तो केवल प्रेम बंधन है। भगवान कहते हैं मानस में कि माँ की ममता, बाप का प्यार, भाई का प्यार, पैसा, ये जननी जनक बंधु सुत दारा, ये सब की जो ममता, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन हूं बांधी बट डोरी, मेरे पैरों से उसको बांध दिया जाए। प्रेम ही एक ऐसा बंधन है कि बंधन होते हुए भी मुक्ति है। वो आता कहां है, दूसरा प्रश्न है, बंधन आता कहां है। तो प्रेम को जब व्यासपीठ बंधन कहेगी, मुक्ति भरा बंधन, मुक्ति राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवई बरी आई, कुछ मुक्ति का कोई स्थान नहीं बचता, ऐसा बंधन आता कहां से। प्रेम का बंधन प्रियतम से आता है, जिससे मोहब्बत करो वहीं से बंधन आता है। प्रभु से प्यार किया, बस उनके बिना अच्छा नहीं लगेगा, उसकी स्मृति रुलाएगी, सब सुना लगेगा, जिससे मोहब्बत होती है वहीं से ये बंधन आता है, मुक्ति भरा बंधन। उस बंधन की प्रतिष्ठा कहां है, वो जमता कहां है, परस्पर प्रीत में, दोनों ओर प्रेम पलता है, परस्पर प्रीत में ही एक गांठ मजबूत होती है। एक पक्ष में हो एक पक्ष में ना हो तो नहीं हो। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, दोनों ओर प्रेम पलता है, परस्पर प्रीत से ये बंधन की प्रतिष्ठा है। मोक्ष कब है, कभी नहीं उसका, प्रेम बंधन का मोक्ष हो ही नहीं सकता। मोक्ष का अर्थ है मोह मानी मोह, क्ष मानी क्ष, जिस क्षण हमारा मोह का क्षय हो जाए वही मोक्ष है, बाकी कौन मोक्ष, कहां मोक्ष। प्रेम न करे वो अनात्मा, और प्रेम में जीवन जिए वो आत्म तत्व, इससे कोई परम श्रेष्ठ तत्व नहीं। इसी वस्तु का जिसको विवेक हो जाए, हे सदगुरु उसी विवेक हमको बताओ। मुझे लगता है, गंध आ रही है मुझे, कि शत्रु पाने उसी विवेक की मांग की है, सोई विवेक, विवेक चुड़ामणि वाला विवेक, कि हमें बंधन का पता लगे, बंधन कहाँ से आता है उसका पता लगे, बंधन मजबूत कहाँ होता है उसका ज्ञान रहे, और उसका विमोक्ष कब है वो हमारी समझ में आए। अनात्म तत्व क्या, आत्म तत्व क्या, इन छहों का ये सातवां जो विवेक है, ये विवेक माँ शत्रुपा ने मांगा। अब देखिए राम वन में जाते हैं ना, तो कौशल्या रोएगी, दुखी होएगी, लेकिन जो दशरथ की दशा हुई है ऐसी कौशल्या की दशा नहीं होती। परमात्मा की माया वाला बंधन कौशल्या को छुआ नहीं है, उसमें विवेक जागृत है। वो कह देती है जो पितु मात कहे वो बन जाना, तो कानन सत अवध सवार। हाँ हमारी दशा जरूर बिगड़ेगी, लेकिन जाओ बेटे जाओ। ये विवेक जो है, ये विवेक की मांग कौशल्या के रूप में हमें ये विवेक प्राप्त।
सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहनी प्रभु। शत्रुपा जी कहती है प्रभु हमें वो रहनी प्राप्त हो। कौशल कौन सी रहनी? सुनहुं पवन सूत रहनी हमारी जिमी दस सुनहुं पवन सुत रहनी हमारी जिमी दस नहीं महु जीव विचारी। आप जानते हैं सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं कि जब हनुमान जी ने विभीषण जी को पूछा कि लंका निशिचर निकर निवासा अहियाँ सज्जन कैसे, और पूछा कि इस लंका में राक्षसों के बीच में आप किस तरह रह सकते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जी पाते हैं? तब जो विभीषण ने कहा सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिमि दर्शन नमः जीव विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे मेरी रहनी है। मुझे लगता है शत्रुपा ने वो ही रहनी मांगी। अब विभीषण ने तो बेचारे ने दुख की बात कही कि जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे राक्षसों के बीच में सज्जनता बसती है, तो अच्छा तो नहीं दांत के बीच में जीभ का रहना। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि तू बहुत भाग्यवान हो कि ऐसी रहनी तुम्हें मिली, बड़ा भाग्यवान है भाग्यशाली कोई। अरे बोले महाराज आप सुख देने आए हैं कि दुख में वृद्धि करने आए हैं? ये अक्कड़ राक्षस दांत के समान और दांत के बीच में जीव को कितना मुश्किल से रहना पड़ता है, ऐसी मेरी रहनी? बोले बहुत भाग्य है, दांत के बीच में जीव का रहना बहुत सौभाग्य की निशान है। बोले कैसे? तो हनुमान जी ने विभीषण से पूछा कि जीव कहाँ रहती है? बोले मुख में। किसके बीच में रहती है? बोले दांतों के बीच में। दांत कैसे हैं? बोले अक्कड़ कड़क। जीभ कैसी हैं? बोले सरल। तो दुनिया में दांत गिरते हैं कि जीभ गिरती है? बोले दांत ही गिरते हैं। तो बस जो अक्कड़ और अहंकारी होंगे वो गिर जाएंगे और जीभ की तरह तू सदा शाश्वत रहे। कोई संत जब दर्शन बदल देता है तो दुख सुख लगने लगता है, सीधी सी बात है। और हम सब जानते हैं दांत गिरते हैं जीभ तो गिरती नहीं, क्योंकि दांत आते हैं, जो आते हैं उसको जाना पड़ता है। जीभ तो बाद में थोड़ी आई हो, तो जब जन्म तब से आई है, तो जो आदि से हो उसका अंत नहीं। दांत तो बाद में आए, पांच जितने साल में आते हैं फिर चले जाते हैं, तो दांत जो आते हैं उनको जाना पड़ता है। जीभ तो कायम है इसलिए उसको कुछ होता नहीं। और हम सब जानते हैं कि खुराक जब खाते हैं तो कसरत का काम दांत करते, स्वाद जीभ ले लेते, दांत को तो कोई स्वाद बात नहीं, कसरत। जीभ बड़ी चतुर है, काम दूसरों से करवाए और स्वाद खुद ले जाए। दांत बेचारा टूटे तो दांत, जीभ को कोई लेना देना नहीं, दांत ही। दांत दुर्जन है जीभ सज्जन है। एक बार दांत जीभ को बहुत दबाने लगे कि खबरदार इधर उधर हुई तो हम 32 बैठे हैं एक क्षण में टुकड़े कर देंगे, खबरदार जो इधर उधर। बेचारी जीव क्या बोले, चुपचाप बैठी रहे अंदर, हत हो गई। दांतों ने बहुत दबाया, बस अपनी मर्यादा में रहना, हम 32 हैं खिले जैसे, जरा भी इधर उधर हुई तो काट देंगे। एक दिन जीव से नहीं रहा गया तो दांतों को कहा कि भाई साहब मैं इधर उधर नहीं होती न तब तक आप सलामत है। मतलब कि मैं अकारण किसी को गालियां बकने लगूंगी तो कोई ऐसी थप्पड़ मारेगी कि तुम 32 और 32 बाहर आ जाओ, मेरी कृपा पर आप सलामत हैं और करो प्रयोग कथा के बाद, लेकिन आज नहीं कृपया, मैं दिल्ली छोड़ूं उसके बाद, अभी कल नहीं परसों भी नहीं फिर करो। कोई गाली बकने लगेगा तो कोई थप्पड़ मारेगा तो नहीं। एक आदमी ने एक आदमी को कहा कि एक थप्पड़ मारूंगा तो 64 दांत निकाल दूंगा।
उसने कहा ठीक है, दांत निकालने की धमकी दे रहे हैं तो जरा गणित के मुताबिक दांत निकालो, एक थप्पड़ मारो 64 दांत निकालो, 64 कैसे हो सकते, 32 होते। इतने में तीसरा आ गया, कह रहे भाई तू भी सोच, दांत तो 32 होते हैं, 64 गिराने की बात कैसे। बोले मुझे पता था कि तू आने वाला है, 32 तेरे, 32 इनके, 64 मुझे निकाल। दांत गिरते हैं क्योंकि कड़क है, अक्कड़ है, जीभ नहीं गिरती क्योंकि नरम है, दुर्जन खत्म होते हैं, सज्जन कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, गीता का डिम डिम घोष है, भक्त का विनाश नहीं होता। दांत के बीच में जीभ रहे, ये रहनी बड़ी प्यारी, लेकिन जीभ को कितना भी दांत दबाए फिर भी खुराक खाते खाते दांत में कुछ अंदर घुस जाए तो फिर जीभ ही तो बार बार टच होकर दांत के दुख से उसको मुक्त करती है। जब तक वो निकाल न दे तब तक दांत को चैन नहीं पड़ेगी, चैन नहीं होगा, और उसमें मदद केवल जीभ ही तो, दुर्जन भी जब कष्ट में होता है तब कोई साधु पुरुष ही तो उसको मदद करता है। तो साधुता से रहने बात करें, मेरी रहनी साधुता की। फिर मैं विनय पत्रिका को याद करूं जो तुलसी जी का बहुत विशिष्ट पद माना गया है, हमारे रामचरितमानस के एक बहुत बड़े अच्छे व्याख्याकार स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, उसका तो ये बहुत प्रिय पदों में से। कब हो ये ही रहनी रहो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघु कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत सुभाव प्रभु आपकी कृपा से जैसे संत लोग रहा करते हैं, संतों का जैसा स्वभाव होता है, क्या मैं ऐसी रहन नहीं रह सकता। और फिर इस पद में गोस्वामी जी बहुत सुंदर बातें कहते, बाबा बोले जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहो, सदा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन ने ये पद विनय पत्रिका का है और वैसे तो कठिन भी है, लेकिन हम थोड़े गंभीरता से और प्रामाणिकता से निर्णय करें तो
तो ऐसे रहने नहीं रह सकते। जथा लाभ संतोष सदा। हे प्रभु, मेरे पुरुषार्थ के कारण मुझे जितना लाभ होगा उसमें मैं संतोष रख कर जीऊंगा, ये रहनी शत्रुपाजी मांग रही। और किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। मांगो मांगो तो सही मांगो। सही क्या? वही मांगो, कभी कुछ कभी कुछ, इससे तो बेहतर है नहीं मांगो। पुरुषार्थ के आधार पर जो मिले उसमें मैं संतोष का मतलब लोगों ने गलत किया कि संतोष का मतलब बस कुछ करना ही नहीं। पूरा प्रमाणिक कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर कछु उद्यम कीजे। मैं करूंगा तुम्हारी बुद्धि जो मुझे मिली है, मेरे बाहू में जो बल है, मेरी अक्ल जो है, मेरा जो निर्णय है, मैं पूरा काम करूंगा। लेकिन ये करने के बाद लाभ तो तेरे हाथ में है। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में बिल्कुल सिद्धांत लिख दिया है, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहे वो मुनिनाथ, हानि लाभ जियन मरण जस अपजस विधिहार। मैं करूंगा पूरा। खीले से मेरे कंठ की डोरी जितनी लंबी है इतनी गति में करता रहूंगा। बाकी तो तेरे से बंधा हुआ, लेकिन एक गाय को खीले से बांध दो तो बंध गई, लेकिन रस्सी जितनी लंबी इतनी स्वतंत्रता उनको है। वो खीले के पास भी बैठ सकते हैं, थोड़ी दूर भी बैठ सकते हैं। जितनी परमात्मा ने माया के साथ अथवा तो कैसे भी हमको बांधे रखा है, लेकिन अकल की थोड़ी डोरी भी दी है कि तेरी बुद्धि के मुताबिक तू पुरुषार्थ कर। तो मेरे पुरुषार्थ के बाद जो मिलेगा उसमें मैं संतोष करूंगा। और मेरे पुरुषार्थ से जो मिला है मुझे तसल्ली है, अब मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। बहुत कठिन। हाँ, चाह पैसों से आने में आने लगी, चाह पैसों से आने में आने लगी, चाह आने से रुपयों में आने लगी, चाह रुपयों से नोटे छपाती चली, चाह नोटों से कोठी चुनाती चली, चाह कोठी में मोटर को लाती रही, चाह मोटर को होटल ले जाती रही, और चाह होटल में बॉटल खुलाती रही, फिर वो चाह बॉटल से हॉस्पिटल ले जाती रही। ये जो इच्छा की जो परंपरा, इसीलिए गीताकार कहते हैं आशा पाश शतेर बद्धा। ये लोभ जाता क्यों नहीं? तुलसीदास जी ने बड़ा दार्शनिक मत दिया है लोभ का कारण, लोभ को इच्छा दंभ बल। दो कारण ही आदमी में लोभ पैदा होता है। व्यक्ति का लोभ बलवान बनता है इच्छा के कारण और दंभ के कारण। लोभ को मजबूती ये दो चीज देती है, एक तो अनंत इच्छा है। बड़ा मुश्किल है इससे बचना। बोलना मैं भी समझ रहा हूं कि बोलना बहुत आसान है, आपके सामने बोल लूं, लेकिन क्या हम नहीं कर सकते? कभी हम ऐसी रहनी नहीं रह सकते कि जितना हमने पुरुषार्थ किया, जो लाभ मिला उसमें संतुष्ट, बात खत्म। और जिसमें लोभ की प्रतिष्ठा है वो लाख प्राप्त करे, उसकी इच्छा कभी शांत होने वाली है। और जिसमें औदार्य हो ना, तो उसके पास कुछ ना हो तो भी वो बादशाह होता है। एक फकीर झोंपड़ी में सोया था, एक चोर गया। बेचारा, अब फकीर की झोंपड़ी में क्या होता है? कुछ नहीं होता, गलत जगह पर गया आदमी तो ऐसे ही निकला। तो फकीर ने कहा, भाई साहब आप निराश होकर जा रहे हैं, मैं शर्मिंदा हूं,
कि आप इतना साहस करके मेरी कुटिया में आए और मेरी कुटिया में कुछ नहीं, बड़ी शर्मिंदा में आपका स्वागत न कर सका। तो बोले कुछ होता तो तू क्या देता। अरे बोले मेरा बस चलता ना तो आकाश में पूर्णिमा का चांद था। वो कहने लगा मेरा बस चले तो मैं पूरा चांद तुम्हें प्रदान कर दूं। ये उदारता है। लोभियों से तो भगवान बचाए। लोभी को सपना आया, सपने में मॉर्निंग वॉक ले रहा था, इसमें पैर को ठोकर लगी, एक पत्थर उखड़ा, देखा तो कोई सोने का कड़ा दिखाई दिया, मिट्टी खोली तो एक चरू निकला, चरू खुला तो अंदर सोने के सिक्के दिखाई दे, लोभी राजी हो गया। सपने में, लोभी के सपने भी ऐसे होते। इतने में सपने में कोई एक कवि निकला और कवि उसको बिरदाने लगा कि धन्य है तू तो कर्ण का दूसरा अवतार है, फला है फला है। तो इस लोभी को लगा कि ये देख गया है, वो राजा को बता देगा तो राजा ले लेगा क्योंकि उनकी भूमि से मिला है। तो इसका मुंह बंद करने के लिए ला थोड़ा स्वर्ण मुद्राएं दे दूं। तो सपने में सब चल रहा है, चरु खोला कुछ स्वर्ण मुद्राएं लोभी उस कवि को देने गया। उसी समय सुबह के 5:30 बज गए थे। उसकी पत्नी ने उसको हिलाकर जगाया कि जागो। वो जागते ही पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा कि शादी हुई 40 साल हो गई लेकिन आज तूने इतना अच्छा काम किया कि जगा दिया, वरना अभी मैं स्वर्ण मुद्रा ये दे देता। लोभ को इच्छा दंभ बल, काम को केवल नारी, क्रोध को परुष वचन बल, मुनिवर कहत बिचारी। हम ऐसी रहनी रह सकते हैं, कभी तो चाहे चना चबेना, कभी लपटे लेंदा खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। कभी तो सोवे राज महल में, कभी तो गली अहीरा दी, कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी गुदड़ी फटिया। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। फकीरों की बात याद आई तो मुझे किशन बिहारी नूर साहब के चंद शेर याद आ रहे जो मेरे पास लिखे हुए हैं, स्मरण में आए उसको पढूं। मरहूम नूर साहब बड़े अच्छे अच्छे उसकी कविताएं रही। बादशाहों का फकीरों से बड़ा रुतबा न था उस समय, बादशाहों का फकीरों से बड़ा रुतबा न था उस समय, धर्म और सियासत में कोई रिश्ता न था उस समय, धर्म और सियासत में कोई रिश्ता। मुझे शेर ये पढ़ना है जो अब शख्स मामूली वह लगता था, शख्स तो मामूली वह लगता था मगर ऐसा न था। दिखाओ में तो मामूली लगता था फकीर, शख्स वो मामूली लगता था मगर ऐसा न था। सारी दुनिया जेब में थी, हाथ में पैसा न था। सारी दुनिया जेब में थी, हाथ में पैसा नहीं था। वाह वाह रे फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। अब बिलक बिलक भाव के शेर हैं, एक चंद शेर और सुना दूं नूर साहब के, बड़ा प्यारा सुंदर है, जरा रसिक रसिक है।
सब रस लेना चाहिए। बुलिया तो फकीर का चेला था ना बुल्ले शाह, लेकिन तेरे इश्क ने नचाया था या था या। जब अपने सदगुरु के सामने वो चुनरी उठ करके नाचता है, बहुत सुंदर शेर है, सुनिएगा दिला, बहुत सुंदर। उसने खुद ने सुनाया था दो तीन बार। अच्छी लगती थी मुझे भी अच्छी अच्छी सूरतें, कभी कहता है कि मुझे भी दुनिया में बहुत सी सूरतें देखता रहता हूँ, बदन लोगों के चेहरे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत सुंदर सूरतें लगती थी। अच्छी लगती थी मुझे भी अच्छी अच्छी सूरतें, हाँ, मगर उस वक्त तक जब तक तुम्हें देखा न था। दुनिया की बहुत सी सूरतें अच्छी लगती थी, लेकिन तब तक जब तक तुम्हें, जो मोही राम लागते मीठे, तुम्हें देखने के बाद सब सूरतें बेकार हो गई। बाकी हम भी कोई कम रसीले नहीं है कि सब सूरतें अच्छी, लेकिन महाप्रभु जी वल्लभ कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अच्छी लगती थी मुझे भी अच्छी अच्छी सूरतें, हाँ, मगर उस वक्त तक जब तक तुम्हें देखा न था। और सुंदर शेर है, जरा नाजुक और जरा गहन। तुमको छूकर फिर न वापस आएगी मेरी नजर, तुमको छूकर यानी तुमको देखकर मेरी नजर वापस नहीं लौटेगी, तुमको छूकर न वापस आएगी मेरी नजर। मैंने सोचा था पर इतनी दूर तक सोचा नहीं था। सोचा तो था कि उनको देखने के बाद जरा गड़बड़ होने वाली है, फिर मुड़ना मुश्किल है लौटना, लेकिन इतनी हद तक नहीं देखा था, इतनी हद तक मैंने नहीं सोचा था कि ये स्थिति होगी। जिंदगी ने मौत को यूं ही नहीं अपना लिया, हाँ, जिंदगी मौत को इसलिए कबूल नहीं कर रही है, कारण होते। जिंदगी ने मौत को यूं ही नहीं अपना लिया, थक चुकी थी और फिर आगे कोई रास्ता नहीं था। हयात स्वयं थक गई थी, आगे कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मौत को मिल गई। हसरतें थी या अलम थे, यास थी या थी उम्मीद, मेरे घर आंगन में सुना कोई गोशा नहीं था, कोई कोना सुना नहीं था। शख्स मामूली था मगर ऐसा न था, सारी दुनिया जेब में थी, हाथ में पैसा नहीं। वाह वाह रे मौज फकीरानी, वाह वाह रे मौज फकीरानी, कभी तो चाहे चना चबेना, 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 कभी लपटा लेंगे खीरा दी, कभी लपटा लेंगे खीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीर, कभी तो सोवे राजमहल में, कभी तो सोवे राजमहल, कभी तो सोवे राजमहल में, कभी तो सोवे राजमहल, और कभी तो गली अहीरा दी, और कभी तो गली अहीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, कभी तो ओढ़े शाल तुषारा, कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी गुदड़ी फटियाली रादी, कभी गुदड़ी फटियाली रादी, कभी गुदड़ी फटियाली रादी, कभी गुदड़ी फटियाली रादी। वाह वाह रे मौज फकीरा,
यथा लाभ संतोष सदा। जो मेरे पास मेरे पुरुषार्थ के कारण जो मिलेगा इसमें फिर मैं संतोष ग्रहण करूंगा और किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। हे प्रभु कब हूँ कहो यही रहा नहीं रहूँगा। आगे चलो। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि देहि पावतन दहु। परुष वचन अति दुसह श्रवण विगत मान सम शीतल मन विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहो कठिन है संसार में रहकर ये सब कहना, लेकिन यदि हम संकल्पित हो तो ये हो भी सकता है। अत्यंत कोई कठोर वाक्य बोले जो असही हो दुसही हो, लेकिन ऐसी परुष वचन की आग में दुसह वचनों की आग में मैं मेरे चित्त को जलाऊंगा नहीं। कोई बोले उनकी जिम्मेवारी, कोई गालियां बके उनकी जिम्मेवारी, कोई मुझे कितना ही कठोर वाक्य कह दें वो जाने, लेकिन मैं इस आग में अपने आप को जलाऊं। आखिर में बोल देते हैं, परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सब तुलसीदास प्रभु यह पथ रही। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही। अभि चल हरि भक्ति लहांगो माँ कौशल्या जी के रूप में शत्रुपा जी कहती हैं कि जब मैं कौशल्या हूँ तब सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी दे। तू तो हमको मिला हुआ ही है, तेरा मिलना कोई तेरी कृपा नहीं है, तू मिला ही है, लेकिन तेरे मिलने के बाद ये छह वस्तु मुझे प्राप्त हो। ये मांग साधन पंचक का सार है जो मनु और शत्रुपा का कारण राम कथा में राम जन्म का है, उसका मेरी व्यासपीठ को यही लग रहा है। और अब पांचवा और अंतिम कारण राजा प्रताप भानु का कारण जो मानस में बड़ा विस्तार से लिखा गया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्व विदित एक कई सत्य के तू तह बस नरेसु सत्य के नीति निधाना
तेज प्रताप शील बलवाना के जुगल सुत प्रताप भानु का कथानक समझ लें और फिर उनके सार सूत्र समझें। पांचवा और अंतिम कारण, शिवजी कहते हैं भवानी को कि विश्व में विख्यात एक कैकई देश, वहां का सम्राट राजा जिसका नाम सत्यकेतु, बड़ा धर्मज्ञ धर्म दुरंधर बड़ा बलवान है, सब तरह से संपन्न है। गोस्वामी जी कहते हैं उस राजा को दो पुत्र, बड़ा पुत्र जिसका नाम है प्रताप भानु और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन। दोनों भाइयों के बीच में बहुत प्यार था, कोई छल कपट नहीं, इससे मुक्त उनकी प्रीति थी। चौथी अवस्था में राजा को वन में जाना चाहिए, इस न्याय से सत्यकेतु राजा ने अपने बड़े पुत्र को राज्य देकर भगवान की प्राप्ति के लिए वन की राह पकड़ ली। प्रताप भानु राजा हुआ। पहले मनु शत्रुपा का इतिहास कहा, अब प्रताप भानु की बात कहते हैं। अब दोनों का थोड़ा साम्य भी देखिए और वैषम्य भी देखिए। दोनों की समानता ये कि मनु के भी दो बेटे, उतानपाद और प्रियव्रत। मनु को जब चौथी अवस्था आई तो वो भी राज त्याग करते हैं, क्योंकि उसको लगा कि विषयों में वैराग्य
ऐसे घर में बैठे नहीं होगा। उसको चोट लगी और उसको पुत्रों को राज देकर निकल गए। और यहाँ सत्यकेतु राजा भी अपने पुत्र को प्रताप भानु को राज देकर हरि के लिए वन गमन करता है। तो इस समान कथा, लेकिन विषमता बहुत गहरी है, दिखाई नहीं देता अंतर, बाल की तरह एक छोटा सा दोनों प्रसंग में अंतर है। स्वयंभू मनु ने अपने पुत्रों को राज्य दिया, तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा बर बसराज। संतान राज्य ले नहीं रहे थे, बलात् राज्य दिया। और यहां सत्यकेतु राजा प्रताप भानु को राज देता है तो वो तुरंत ले लेता है। वहां बलात् उसने नहीं कहा कि नहीं नहीं पिताजी हम नहीं राज नहीं, बलात् नहीं देना पड़ा। इसका अभिप्राय मनोवैज्ञानिक रूप से ये होता है कि प्रताप भानु के मन में बूढ़े बाप कब निवृत्त हो जाए उसकी एक चाह पड़ी थी कि बूढ़ा कब निवृत्त हो। और कह सकेगा वो कि हम तो क्या पिताजी ने राज दिया वैसे ले लिया। तुलसी का समग्र दर्शन जो प्रताप भानु के ऊपर है, प्रताप भानु मूल में लोभ का संस्कार लिए हुए है। राजा बना, फिर गोस्वामी जी कहते धर्मरुचि नामक उनका प्रधान है। अब राजा बनने के बाद उसकी दुहाई दुनिया में फैल गई। अब इतना बड़ा राज्य मिल गया प्रताप भानु को, लेकिन लोभ को इच्छा दंभ बल, उसको इच्छा होती है दिग्विजय करो, छोटे बड़े राजाओं को जीत लो और मेरी सीमा को विस्तार। वो चतुरंगिनी सेना लेकर के दिग्विजय करने निकलता है और जगत में पृथ्वी पर जितने राष्ट्र थे सबको उसने जीत लिया। लोभ कहां तक आदमी को पहुंचाता है, गोस्वामी जी ये दिखाना चाहते हैं। गोस्वामी जी लिख देते हैं सकल अवनिमंडल ते ही काला, पूरा भूगोल पूरी पृथ्वी उस पर एक ही ध्वजा फहरती थी और ये प्रताप भानु महपाल का राज्य हो गया था। ठीक है, माना कि फिर उसने यज्ञ किए, अच्छे काम किए, शुभ प्रवृत्तियां की, धर्मशालाएं बनाई, तीर्थों का जीर्णोद्धार करवाया, फला फला अच्छा किया। लोभी आदमी भी दुनिया की दृष्टि में कुछ अच्छा काम कर लेता है, लेकिन इनकी इच्छा इनके पीछे भी कमाने की ही होती है कि इससे भी कुछ और फायदा हो, इस और फायदा हो, यही इच्छा काम करती है, अच्छा करता है। और वहां तक अच्छा है कि जो जो शुभ काम करता है वासुदेव अर्पित कर देता है, ज्ञानी है, समझदार है, प्रभु को अर्पण कर देता है। ऐसा प्रताप भानु राजा एक बार गोस्वामी जी कहते हैं शिकार करने के लिए निकलता है। पहले कहानी कह दो फिर उसका सार। शिकार करने के लिए निकलता है, इनके साथ सैनिक है, सेवक है, सचिव है, खुद के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा है, सबके पास घोड़े हैं, और शिकार करने के लिए मृगया के लिए राजा आखेट खेलते थे। शाम तक उन्होंने शिकार किया। अब संध्या होने को थी, अब सब लौटने वाले थे। उसी समय राजा ने एक सुकर को, एक वराह को देखा। उसके दांत चांदी की तरह चमक रहे थे, ऐसा वराह देखा। और राजा ने इस वराह को शिकार करने की चाह की कि मैं उसको भी, अब उसको भी मार दूं, उसका भी शिकार कर लूं। चाह आदमी को कहां तक ले चलती, सूरज डूबने को है। नाम भी तो बहुत सुंदर है, प्रताप भानु, सूर्य का प्रताप, लेकिन सूर्य का प्रताप संध्या को डूबने की तैयारी में ही होता है। और उसने निर्णय किया कि और सबके जो घोड़े थे थक गए तो पीछे रह गए सैनिक लोग, और राजा अकेला इस सुकर के पीछे, इस भूंड के पीछे, वराह के पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता है, बहुत दूर तक जाता है। तुलसी जी कहते हैं वो भूंड भूंड नहीं था, कालकेतु नामक राक्षस था।
जब प्रताप भानु ने दिग्विजय किया तब उनके 10 भाइयों को उसने पुत्रों को मार दिया, भाइयों को मार दिया कालकेतु के। ये आदमी बच गया था, तो क्रोध को हृदय में दबा करके वो वन में जाकर बसने लगा था। अवसर खोज रहा था कि प्रताप भानु कभी मिले तो बदला लूं। आज मौका मिल गया कि प्रताप भानु शिकार खेलने आया है, तो वो काल के तो भुंड बनता है और प्रताप भानु अपने घोड़े से उसका पीछा कर रहा। मुझे साकेतवासी पंडित रामकिंकर जी महाराज को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अब जो मैं कह रहा हूं वो उनका अर्थ कह रहा हूं। पंडित जी महाराज ने एक अर्थ लगाया था कि सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी जीवन में वो है कि सत्य केतु का बेटा काल केतु के पीछे दौड़े। कितना बड़ा सूत्रात्मक पंडित जी महाराज का, किंकर जी महाराज का ये सूत्र है। प्रताप भानु है सत्य केतु का बेटा, विश्व विदित एक कई कई देश में सत्य केतु कहां बसे, पुत्र है सत्य केतु का और दौड़ता है काल केतु के पीछे। हम सब सत्य की संतान है, वयम अमृतस्य पुत्राहा, हम सब वेद की अमृत की संतान है और दौड़े जा रहे हैं जहर के पीछे, विष के पीछे। हम सूर्य की संतान, प्रकाश की संतान और दौड़े जा रहे तमस के पीछे। काल केतु मानी एक अंधेरा, एक तमसता। ये बहुत सुंदर व्याख्या आपकी रही। और जब सत्य केतु का संतान काल केतु के पीछे दौड़ता है ना, तो और संग छूट ही जाता है। अति अकेल बन विपुल कलेशो, राजा अकेला हो गया। अकेला नहीं, तुलसीदास जी कहे अति अकेल, आदमी कभी अकेला नहीं होता, ईश्वर तो उनके साथ होता ही है। लेकिन जब आदमी की इच्छाओं का कोई अंत नहीं और भाई दौड़े ही जाता है, तो लोभ की इस अनंत यात्रा में आदमी फिर बिल्कुल अकेला हो जाता है। ईश्वर भी मानो उसको महसूस नहीं होता। अति अकेल बन कलेश, तदपि न मृग मग तजेव नरेश। अति अकेल ईश्वर भी नहीं। गुरु चेला चला जा रहा था, तो संध्या का समय हुआ, तो गुरु ने कहा मैं संध्या कर लो। अरे बोले इतने सिंह लो हिंसक प्राणी रहते उसमें संध्या करो? बोले नहीं संध्या। तो गुरु संध्या करने बैठ गया तो एक बहुत दहाड़ता हुआ शेर दौड़ा, तो चेला ऊपर चढ़ गया। अब संध्या कर रहा था गुरु, तो शेर तो आया लेकिन परिक्रमा करके चला गया। तत्सन्निधौ वैर त्याग अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो, पतंजलि के योग सूत्र के मुताबिक वो शेर परिक्रमा करके चला गया, कुछ डर नहीं लगा। शिष्य नीचे उतरा, दोनों चल पड़े, फिर से कोई गर्जना सुनी तो गुरुदेव भाग कर पेड़ पर चढ़ गए। चेले ने कहा हद है, पहले आप बैठे रहे कुछ नहीं हुआ, डर नहीं लग रहा, और अब आप डर गए। बोले बेटा कहूं, जब मैं बैठा था ना तब ईश्वर मेरे साथ था, अब तू मेरे साथ। ये डर जो लग रहा है ये तेरे कारण लग रहा है, अब मैं अति अकेल हो गया हूं। लोभ की अनंत चाह, इसलिए गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं काम बात कफ लोभ अपारा, लोभ अपार है। ये कर लूं ये कर लूं, और तुलसीदास जी कहते हैं जो भुंड था उसके दांत चमकीले चांदी के जैसे। वो चांदी और सोने में ही तो लोभ होता है ना, इसी में तो है। और वही प्रताप भानु रावण होता है तो सोना का मृग पैदा करता है। पूरी कथाएं मानो एक दूसरे को न्याय दे रही है, वही रावण और सोने का मृग, और उसी में भगवान राम उनके पीछे दौड़े। तो ये मृग के पीछे दौड़ते हैं जो काल केतु है। बहुत दूर तक राजा को काल केतु ले गया, अंधेरा होने लगा, और काल केतु तो मायावी था तो राजा हरा हुआ लेकिन भुंड बनकर उसको फंसा गया। अब कोई कहे कि काल केतु ने राजा को फंसाया तो अर्ध सत्य माना जाएगा,
कोई कहते हैं कि फला आदमी ने हमको छल लिया, तो ये पूर्ण सत्य नहीं। तुम्हारी कामना भी तुम्हारे छलाने के लिए योगदान पूरी करती है। ये राजा यदि इतना शिकार के बाद रुक गया होता तो कौन उसको भुलावे में डालता। कोई नकली लोग आते हैं, कोई धोखेबाज आते हैं, आपको 100 रुपये के 200 बना देते हैं, तो वो ही धूर्त नहीं, तुम भी धूर्त हो, क्योंकि तुम्हें 100 के 200 चाहिए, तुम भी इतने गुनहगार हो। तो राजा को छला गया, इसमें राजा का भी दोष है। इतनी हद तक लोभ की यात्रा करने की क्या जरूरत थी। फिर तो जंगल में बुलावे में पड़ जाता है, और फिर वो एक आश्रम में पहुंच जाता है जहां एक कपट मुनि बैठा है, वो भी एक पराजित कपट मुनि। कभी कभी आदमी कहीं का नहीं रहता, फिर चलो जंगल में जाकर बैठ जाए, ऐसी बात हो जाती। तो ऐसे वो भी बैठ गया, तो कपट मुनि के पास राजा पहुंचता है। कपट मुनि पहचान गया कि तो मेरा दुश्मन प्रताप भानु है। प्रताप भानु भूख के कारण पहचान नहीं पाया, आश्रय दिया, स्वागत किया। कौन हो आप, इस जंगल में अकेले क्यों घूमते हो, क्या नाम है? प्रताप भानु को लगा कि राजनीति के अनुसार अपना नाम जहता नहीं कहना चाहिए, इसलिए कहा कि कई कई देश का सम्राट प्रताप भानु है ना, मैं उनका सचिव हूँ। मेरा सद्भाग्य कि आप जैसे महात्मा के दर्शन हो गए। कपट मुनि है, सच्चा साधु नहीं था। फिर स्वागत वागत करके फिर कहता है, तूने भले छिपाया लेकिन योग साधना से मैं जान चुका हूँ कि तू स्वयं प्रताप भानु है, तेरे पिता सत्यकेतु, मैं सब जानता हूँ। बोले बाबा आप मुझे जान गए? बोले सब जानता हूँ, योग का प्रभाव है, यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया को मैं जानता हूँ। अच्छा, तूने झूठ कहा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि राजा को अपना नाम जहाँ तहाँ नहीं कहना चाहिए, तूने अच्छा किया। ठीक है, बहुत रात्रि हो चुकी है, आज यहीं ही मुकाम करो, सुबह मैं आपको मेरी योग सिद्धि से आपके घर पहुँचा दूँगा। अब ये सब हुआ तो राजा को कहना चाहिए कि बाबा रात रहूं, सुबह मेरे घोड़े पर चढ़कर निकल जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें लोभी को शॉर्टकट चाहिए, सिद्धियों का शॉर्टकट उसको चाहिए कि जल्दी पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए, जल्दी पाले, ये लोभी की प्रवृत्ति होती है। वो सोता है, कपट मुनि तो कैसे सोए, सोच रहा है कि कैसे बदला लो। इतने में वो काल केतु जो भुंड बनकर भुलावे में डाल गया था, वो परम मित्र तापस नृप केरा उनका दोस्त था, वो मिलने आता है और कहा कि प्रताप भानु को मैंने भुलावे में डाला। बोले शांत रहो, यहाँ आ चुका है, सोया है, मुझे तो कुछ आता नहीं है। अब तुम मायावी हो, उनका अपहरण करके उनके नगर में अपनी पत्नी के पास उसको सुला दो, और उनके गुरु को अपहरण करके यहाँ ले आओ, और उनके गुरु की जगह तुम बैठ जाना, और ऐसे ऐसे भोजन की व्यवस्था करना, ब्राह्मणों को निमंत्रित करना, और मांस वाली रसोई ब्राह्मणों को परोसना, ब्राह्मण क्रोध करेंगे, श्राप देंगे, और अपने दुश्मन का नाश होगा। ऐसी योजना कपट मुनि ने काल केतु से मिलकर कर ली। कथानक कहता है कि वो प्रताप भानु का अपहरण करके घोड़े सहित उसको ले जाता है, प्रताप भानु की रानी के पास प्रताप भानु को सुला देता है और घोड़े को अश्वशाल पे बांध देता है। प्रताप भानु का जो गुरु था उनका अपहरण करके आश्रम में ले आया और खुद गुरु के वेश में बैठ, उपरोहित के रूप में बैठ गया। दूसरे दिन राजा जागा तो भवन देखा, ओहो कितने समर्थ गुरु महाराज, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन सोचा कि अचानक लोग मुझे देखेंगे तो आश्चर्य होगा, पता न लगे, ऐसे निकल गया नगर के बाहर। फिर कुछ समय के बाद घोड़े पर चढ़कर आया, लोगों ने उत्सव मनाया, महाराजा आ गए, और उसने कहा था 3 दिन में मेरी और तेरी भेंट होगी। तीसरे दिन वो काल केतु राक्षस गुरु के उपरोहित के रूप में मिलता है, योजना बनाई ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए, और फिर मांस वाली रसोई बनाई, पूरी योजना मैं संक्षेप में बिल्कुल कह देता। फिर ब्राह्मणों को आकाशवाणी ने चेता दिया कि उसमें मांस भक्षण है, आप खाना मत, और बिना सोचे ब्राह्मण लोग श्राप दे देते हैं, और प्रताप भानु 1 साल में पूरा समाप्त होता है, और दूसरे जन्म में वो रावण होता है। ऐसी कथा
बताए, मुझे दो चार बातें कहनी है। ये कारण जो है उसका सार इतना लगता है, प्रताप भानु अच्छा राजा था, बाप ने राज दिया तो ले लिया। अब राजा कामना करेगा कि मेरा दिग्विजय हो तो किया, फिर उसने कुछ अच्छे काम भी किए माना, लेकिन प्रताप भानु का पतन की यात्रा शुरू होती है उसके अपार लोभ के कारण। हम सबका भी पतन अपार लोभ के कारण होता है। आवश्यकता पूरी होती ही है, अस्तित्व का नियम है, अपेक्षाएं पूरी करने का अस्तित्व का कोई वादा नहीं है। जरूरत होगी, आदमी को भूख देते हैं परमात्मा, इससे पहले रोटी बना देते हैं, बीमारी देते हैं इससे पहले औषधि निर्मित कर देते हैं, ये अस्तित्व का निर्णय है। लेकिन हमारी अनंत इच्छाएं जो है वो तो प्रताप भानु के तीन बिंदु पर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना है, जो हमें निकट पड़ रहा है, हमारे जीवन में ऐसा होता है, इसलिए मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा। एक, इनकी लोभी वृत्ति अनंत बन गई। अब सम्राट हो गया, इतने दुनिया को जीत ली, फिर उसको छोटे बड़े पशुओं का शिकार नहीं करना चाहिए, लेकिन लोभ की वृत्ति है। और पूरा दिन चलो शिकार किया तो भी वो एक शुकर को देख लिया, चांदी के दांत, अरे पूरी दुनिया का मालिक चांदी जैसे चमक के दांत देखकर तू उनमें लोभित हो गया और उसको मारने दौड़ा। वो कविता नहीं है कि चांदी जैसे बाल गोरी इसी में ही मरते हैं लोग, और कुछ होते हैं इसी में ही, बस प्रताप भानु की पतन की यात्रा शुरू हो जाती, चांदी जैसे, ऐसा कुछ है। पहला सूत्र है मेरे भाई बहन, अनंत लोभ वृत्ति। आदमी की लोभ वृत्ति बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। और इस लोभ को पूरा करने के लिए लोग कितने छलबल करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, और फिर खुद ही फंसते हैं। और लोभ की यात्रा जब हम करते हैं तब हमें कोई सच्चा साधु नहीं मिलता, कोई कपट मुनि ही मिल जाता, ये नियम है। क्योंकि यात्रा ही लोभ की है। गुजराती में हम कहे लोभियाना गाम में धूतारा फावे, ये गुजराती में लोभी के गांव में धूर्त कम आ जाता है, क्योंकि उसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए, दोनों बैठ पत्थर की नाव, दोनों डूबते हैं पत्थर की नाव। तो एक तो है लोभ की अपारता। मेरे भाई बहन, हम और आप इतना ध्यान रखें कि हम संसार में हैं तो थोड़ा बहुत लोभ हमारा होगा, लेकिन इतनी लोभ की अपार यात्रा न हो कि हमें कुसंगति में डाल दे, हमें इस संसार की अटवी में, संसार के जंगल में इतने भुलावे में न डाल दे कि हम किसी में फंस जाए। दूसरी बात, लोभ की अपारता के कारण प्रताप भानु को वो कपट मुनि मिला, और फिर कपट मुनि उसको कहता है कि तू मांग, क्या दूं। तब प्रताप भानु मांग जो करता है, जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते नहीं कोई, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत होए, क्या ये मांग व्याजबी है। कहता है मेरे शरीर को बूढ़ापा ना आए। अब वो कपट मुनि तथास्तु कहने गया तो राजा ने सुधार किया कि एक मिनट महाराज जी, बूढ़ापा ना आए लेकिन मौत तो आएगी, तो सुधार किया मृत्यु भी ना आए। बोले तथास्तु, मुझे बूढ़ापा ना आए, मृत्यु ना आए, लेकिन कोई राजा मुझ पर हमला करे तो जीत तो जाएगा, तो फिर बूढ़ापा ना आए और मृत्यु ना आए और किसी के परवश जीना, ये तो भयंकर होगा। तो बोले रण मैदान में मुझे कोई जीते नहीं। बोले तथास्तु, अब कोई जीते ना ऐसा हो जाए लेकिन आखिर में तो कुछ ना कुछ होगा। तो बोले मेरा राज कल्पशत हो, एक छत्र के नीचे मेरा, ऐसा मांगा।
और कपट मुनि ने सब में तथास्तु कह दिया। और कपट मुनियों को तथास्तु खरीदना कहाँ होता है, उसको तो कप में जेब में तथास्तु ही तथास्तु रहता है। जो मांगो तथास्तु, जो मांगो तथास्तु, तेरा बुढ़ापा नहीं होगा, तेरी मौत नहीं होगी, तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा, एक कल्प सत तक तेरा राज छत्र टपेगा। सब में अपार लोभ है और भगवान की कृपा है, सब है। तो उसके बाद दूसरा केंद्र बिंदु है कुसंग, और कुसंग के कारण आदमी की मांग लड़खड़ा जाती है, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे। हनुमान जी ने जानकी के पास मैं बूढ़ा न हूँ न मरूँ ना ये मांगा नहीं, आशीर्वाद तो मिलता है, मांगा नहीं जाता। हनुमान जी ने मांगा नहीं था, वो तो माँ के पास राम का कार्य करके खड़ा है, तो माँ स्वयं बोली है, अजर अमर गुण निधि रघुनायक छो कृपा प्रभु अस सुनिका निर्भर प्रेम मगन मगन हनुमाना अष्ट सिद्धि नव निधि अस जानकी माता अस बर जानकी माता। तो तीन केंद्र बिंदु पर ध्यान दे, एक तो अपार लोभ, दूसरा उसको कुसंग हुआ। अब चलो मैं मेरी ओर से कहूं कि उसने मुझे बूढ़ापा ना आए, मौत ना आए, मेरा राज्य इतना तपे, मुझे कोई जीत ना पाए, चलो ये मांग भी क्षम्य है, छोड़ दो, क्योंकि कुसंग में आने के बाद ऐसी ही तो मांग होती है लोगों की। लेकिन तीसरा अपराध इस आदमी ने भयंकर किया है, उसी के कारण वो राक्षस हुआ है। वो तीसरा अपराध है गुरु को बदल देना। तेरे गुरु का हम अपहरण कर ले जाएंगे, जो योजना बनी थी, और हम तेरे गुरु के, वो आदमी गुरु के रूप, जिसकी कृपा से आदमी ने दिग्विजय किया था, जिसकी कृपा से ये साधन संपन्न हुआ, जिस गुरु ने, सत्यकेतु ने जब प्रताप भानु को राज दिया, तब जिस गुरु ने उसके बाल में तिलक किया होगा, उसी गुरु को उसने त्याग दिया। उसको लगा होगा कि जरा मरण से मुक्त, समर में कोई जीते ना, सत्कल्प तक राज, ये देने में जो अभी जो मेरा गुरु है ना वो समर्थ नहीं है, ये जो दूसरा वाला है ना वो जरा समर्थ है। इसी कारण से जो गुरु को जो परिवर्तित, हम भी क्या करते हैं, खुद के गुरु को कभी कभी असमर्थ पाते हैं। आदमी की बहुत बीमारी बढ़ जाती है ना, तो पहले तो गुरु के पास जाता है, लेकिन गुरु पर भरोसा नहीं और बीमारी लंबी चली तो छोड़ देते हैं कि अब उसके पास जाए, अब उसके पास जाए, अब उसके पास। मेरी समझ में ये तीसरा केंद्र बिंदु प्रताप भानु के पतन का गुरु परिवर्तन है। नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरु परम तत्व है। वो दुकान का कोई बिकाऊ माल सामान नहीं है कि उसको तुम बदल दो। लोभ भी क्षम्य है, संसार में कुसंग हो वो भी क्षम्य है, सोचो। लेकिन ये तीसरी बात अक्षम्य है, अक्षम्य। उसने कहा तो उसने नहीं मना करना, उसने कहा, कपट मुनि ने कहा कि हम आपके उपरोहित को, आपके गुरु को यहां ले आएंगे और हम आपको उपरोहित के रूप में तीसरे दिन मिलेंगे, तो नहीं कहना चाहिए खबरदार मेरे गुरु को छुआ तो ले जाए पूरी दुनिया, नहीं चाहिए, मेरे गुरु की चरण पादुका के सामने पूरी भूमंडल बेकार है,
ये कहता तो प्रताप भानु रावण के कुल में नहीं जन्मता, राम के कुल में जन्मता, पूरा इतिहास करवट बदल देता। लेकिन ये आदमी असुर होता है क्योंकि गुरु का लीलाम सौदा कर रहा है गुरु का। ठीक है, मेरे गुरु इतने समर्थ नहीं है, ठीक है, दुआ देते हैं, तिलक बिलक करते हैं, सब करते हैं, बाकी जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते नहीं कोई, ऐसा तो मेरा गुरु नहीं है। और करीब करीब हम लोगों की ऐसी दशा से हम गुजरते हैं। कई लोगों को तो जैसे शुक्रवार को पिक्चर बदलती है वैसे गुरु बदलते हैं, कि आज ये पिक्चर चढ़ी, आज ये पिक्चर चढ़ी, आज ऐसे ऐसे गुरु बदलते। मानो कोई गुरु के समान कोई परम तत्व नहीं। ये बात उसको मार गई, ये बात ने उसको पतन की ओर ले जाए। सोच समझ कर किसी समर्थ के आश्रय में जाना और एक बार सजदे में सर झुकाया तो फिर उठना हराम है, शरणागति। एक बार और एक के पास होती है, अनेक बार और अनेक के पास नहीं हो सकती, एक के पास और एक ही बार, उसको शरणागति कहते हैं। कभी इधर कभी उधर कभी उधर, जैसे कई लोग कई डॉक्टर रखते हैं, कई लोग कई नौकर रखते हैं, कई संपन्न लोग गुरु भी कई रखते हैं, कभी ये गुरु कभी ये गुरु, जो काम में आ जाए वो गुरु, और मिल भी जाता है, करे क्या भाई। तो भाई ऐसा है ना भाई, डिमांड जैसी ऐसी सप्लाई होती है, ये व्यापार वाणिज्य का नियम है, डिमांड जैसी ऐसी सप्लाई प्रकृति करती रहती। नहीं बाप, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी मंत्र का यज्ञ हो रहा है तलगाजरड़ा में इस बार, इसी मंत्र की आहुति 14 तारीख से डाली जा रही है। गुरु परख, या ते रुद्र शिवा तनु रघोरा पाप काशिनी तयानस्तनुवा शांतमया गिरिशंता भिचाकशी। या ते रुद्र शिवा तनु रघोरा पाप काशिनी तयानस्तनुवा शांतमया गिरिशंता विचाकशी। या ते रुद्र शिवा तनु रघोरा पाप काशिनी तयानस्तनुवा शांतमया गिरिशंता विचाकशी। तीसरा बिंदु है, वो पतन का काम कर गया। और गुरु भी मुझे लगता है कि कितना सरल रहा होगा। अब ऐसा मत मानना कि प्रताप बानु का गुरु सोया था और उठा गया, सोया नहीं था, सोया हो वो गुरु ही नहीं होता, सोया हो वो गुरु हो सकता है। उसकी निद्रा शंकराचार्य कहते हैं समाधि होती है, निद्रा समाधि स्थिति, उसकी निद्रा भी समाधि मानी जाती, सोया हुआ कैसे होता। तो फिर ये एक तर्क उठ सकता है कि भी तो फिर वो गुरु बोले क्यों नहीं जब उनका अपहरण हुआ, तो वो कह देते खबरदार मुझे ले गए। सोचा होगा कि मेरे शिष्य को मेरे से अब दूसरे में ज्यादा निष्ठा हो गई, मैं रहूंगा तो बेचारा मुझे छोड़ भी नहीं पाएगा और दूसरे को ठीक से पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए मैं ही जगह क्यों ना दे दूं। मैं नगर में तो उनके कारण बसा था, बाकी मैं तो वन का आदमी था, वो तो अच्छा है मुझे वन में ले चला है, मैं तो था नगर का ही नहीं वन का ही था। इसलिए गुरु अपराध हुआ है मेरी समझ में, परिणाम स्वरूप
ये राजा घर आता है। तीसरे दिन वो काल केतु राक्षस उपरोहित के रूप में उसको मिलते हैं। दोनों ने बातचीत कर दी, तेरी मौत नहीं, तुझे बुढ़ापा नहीं, तेरा इतना राज्य चलेगा, केवल ब्राह्मणों को वश करना है और ब्राह्मणों को वश करने में केवल भोजन ही पर्याप्त है, भोजन से ब्राह्मण वश हो जाएगा, लेकिन रसोई मैं बनाऊं और तू परोसे, ये योजना बनाए। 10,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया सम्राट प्रतापवान। उस बहुरूपीय ने रसोई बनाई और रसोई के अंदर पशुओं का मांस और उनमें ब्राह्मणों को भी मारकर मांस डाल दिया इस काल केतु ने। राजा को कोई पता नहीं है, वो तो लोभ के कारण फंसा हुआ है। 10,000 ब्राह्मणों की पंगत बैठी है और परोसा गया भोजन। ब्रह्मार्पण करके ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए तैयार हुए, उसी समय आकाशवाणी हुई है, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जनिखा, हे ब्राह्मण वृंद आप उठ उठ करके घर चले जा, जो ये अन्न खाएगा बड़ी हानि होगी धर्म की। हे ब्राह्मण देवता, ये रसोई मांस की बनी हुई है, आपके लिए अभक्ष है, आप इस भोजन को खाइए मत। आकाशवाणी सुनते ही 10,000 ब्राह्मण खड़े हो गए, हाहाकार हो गए, क्रोध में आए इन ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को श्राप दे दिया। अब ब्राह्मण भी थोड़े आवेश में आ गए, आकाशवाणी ने जो कहा सो करना चाहिए था। इनकी सच्चाई को मैं प्रणाम करूं ब्राह्मणों की, कि धर्म में कुछ उसके धर्म में तकलीफ होने वाली थी तो आकाशवाणी उसको रोक लेती है। इसका सत्य कितना प्रबल, ये केवल मोदकप्रिय ब्राह्मण नहीं, तपस्वी ब्राह्मण, ऋषि ब्राह्मण है कि जिसको आकाशवाणी ने बचा लिया। लेकिन आकाशवाणी उसको बचा रही है तो ब्राह्मणों को भी सोचना चाहिए था कि आकाशवाणी हमें क्या कह रही है, लेकिन आवेश में फिर आदमी पूरा सुनता ही नहीं और कुछ का कुछ करता है। श्रेष्ठ की वाणी को 2-3 बार सुनो वरना तुम कुछ का कुछ करोगे। वो बेचारा 5-6 जे थेल नागिन लाव से तुम्हें पास कहीं बीजूज कर उभा रहे, ऐसा हो जाता। अब आकाशवाणी ने कहा, क्या कहा था आकाशवाणी, ब्राह्मण आप लोग खड़े हो जाइए, उठ जाइए और घर जाऊं, अपने अपने घर में चल, तुम प्रताप भानु को श्राप दो, ऐसा आकाशवाणी ने कहा ही नहीं है, लेकिन हम भी कोई कम है, बस ये मार डालते हैं लोग, हम कोई कम है। तो ब्राह्मण लोग श्राप दे देते हैं कि ईश्वर ने हमारे धर्म को बचाया, हे राजा तू हमको भ्रष्ट करना चाहता था, एक संवत मत में तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में पानी पिलाने वाला कोई नहीं बचेगा और दूसरे जन्म में तेरा पूरा कुल राक्षस कुल में जन्म लेगा। ईश्वर ने हमारे धर्म को नहीं कछु किन्ह विचार। तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों के लिए लिख दिया, रोष में श्राप दिया, ब्राह्मणों ने विचार नहीं किया, विचार से बोलना चाहिए था, विचार छूट गया इन ब्राह्मणों का। इसलिए आकाशवाणी कहते विप्रहु शाप विचार ही न दिना, श्रेष्ठ की जितनी आज्ञा हो इतना ही करो, अपना ऐड मत करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ बिना सोचे। कभी कभी लोग ऐसे होते हैं, अरे कर डालो ना इतना, अरे बोले गुरु ने मना किया, गुरु को क्या खबर, ले तो तू उनका गुरु निकला तो अब गुरु क्या जाने, उसको कहोगे तो ऐसा ही जवाब दे देंगे, गुरु को पूछो मत, अपने अपना कर डालो। विप्रहु शाप विचार इन दिना, परिणाम क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को बिना विचार श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओगे। वही प्रताप भानु ब्राह्मण कुल में जन्मा, उपजे जदपि पुलत्स कुल, पावन अमल अनूप,
तदपि महिसुर श्राप बस ब्राह्मणों ने श्राप दिया, इसीलिए रावण के रूप में प्रताप बानू फिर ब्राह्मणों को खाने लगा। तो ये बहुविधि त्रास ही देश निकास ही जो कह वेद पुराना, इन ब्राह्मणों का ये बदला लेता है। सब जवाब मिल रहे हैं दूसरे जन्म में। तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, आकाशवाणी ने डांटा कि आपने सोच कर नहीं दिया, फिर तो क्या करें, शापानुग्रह थोड़ा कर दिया कि भगवान के हाथ से तुम्हारा मरण होगा, तुम धन्य हो जाओगे। ब्राह्मण चले गए। एक साल वहाँ काल के तो राक्षस और कपट मुनि मिलकर षड्यंत्र बनाते हैं, पराजित राजा का एकत्रीकरण हुआ और हमला हुआ। एक साल में प्रताप भानु के वंश में कोई नहीं बचा, पूरा कुल समाप्त हो गया। वही प्रताप भानु दूसरे जन्म में रावण हुआ, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ और धर्मरुचि नामक प्रधान दूसरे जन्म में बिमात्र विभीषण होता है। ऐसी एक कथा, छोटी सी कथा मैंने आपके सामने संक्षेप में रखी। तीन बिंदुओं पर ध्यान रखना, लोभ ठीक है अपार न हो, और अपार लोभ हमें ऐसे कुसंग में न डुबो दें कि हमारी मांग गलत शुरू हो जाए, हमारी चाह गलत मार्ग पकड़े, और तीसरा इसी गलत मांगों को पूर्ण करने के लिए कहीं हम अपने गुरु का सौदा न कर दें कि ले जाओ मेरे गुरु को, अब हम आपका स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा कहीं न हो जाए, इसका ख्याल करना, वरना हम अच्छे इंसान शैतान बन सकते हैं, अच्छे आदमी हैवान बन जाता है। ऐसा कथानक का सार मुझे लगता है। तो प्रताप भानु का ये पूरा इतिहास याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को, शिव जी पार्वती को सुना देते हैं, और फिर ये तीनों भाई राक्षस बनते हैं और फिर तपस्या करते हैं और फिर रावण की सृष्टि होती है, और फिर उसी क्रम में राम जन्म की ओर कथा गति करती हैं। शेष उनका उपसंहारक सूत्र लेकर कल हम राम जन्म तक की कथा को पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, और फिर आगे भुसुंडी रामायण के न्याय से पूरे कथा का गान करने की विनम्र कोशिश करेंगे। आज इस कथा को यहाँ ही रखूं, लेकिन इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें, लोभ से बचने के लिए, कुसंग से बचने के लिए, और सद्गुरु निष्ठा में पक्का होने के लिए। बहुत से उपाय होते हैं, लेकिन सरलतम उपाय है हरि नाम। इसलिए आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें। हरे रामा रामा राम सीता राम, हरे राम।
रामा रामा राम सीता राम हरे रामा राम कथा यहाँ विराम ले रही है। कल सुबह जो विराम का दिन है, पूर्णाहुति का दिन, 9:30 बजे ही कथा शुरू होगी और 12:30 के आसपास कल कथा को, 9 दिवसीय राम कथा को विराम दिया जाएगा। आज की कथा यहाँ विराम ले रही, कल 9:30 बजे विराम के लिए फिर मिलेंगे। भाव से बोलिए राम चंद्र भगवान। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये कलित ललित सियति आरती श्री राम जी।
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद विज्ञान विशारद सुख संतादि शेष अनुसारद बरनि पवन सुत कीरति नीक आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्ट दश संतत शंभु भवानी संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि सुंदी गरुड़ आरती श्री रामायण जी कलिमल हर सिंगार मुक्ति जुबती दलन रोग भव आत्मा सब भारती श्री रामायणति कलित ललित आरती श्री राम जय सियाराम। मंच पर से सभी भाई बहन नीचे पधारे। आज सायंकाल पूज्य बापू की मुलाकात बंद है। पूज्य मुरारी बापू की मुलाकात बंद है। सभी भाई